हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म की जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पर कब तक रिलीज़ की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का तमिल में नाम है आइलन, जिसे हम नॉर्मली एलियन कहते हैं। वो एक 2024 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन फिल्म है, जिसे आर रवि कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और KJR स्टूडियो के तहत कोटापटी जे राकेश द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में शिव कार्तिकेयन और राकुल प्रीत सिंह, शरद केलकर, ईशा कोपीकर, करुणाकरण, योगी बाबू, डेविड ब्रॉटन डेविस, भानुप्रिया और बाला सरवनन सहायक भूमिकाओं में है, जबकि सिद्धार्थ की आवाज़ की भूमिका है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक दुष्ट वैज्ञानिक को घातक नोवा गैस बनाने से रोकने के लिए एक एलियन के साथ मिलकर काम करता है, जो पृथ्वी को खतरे में डाल सकती है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2016 में 24AM स्टूडियो द्वारा की गई थी, लेकिन KJR स्टूडियो के अधिग्रहण से पहले स्टूडियो पीछे हट गया और मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी और वित्तीय कारणों से देरी के बाद जनवरी 2021 की शुरुआत में पूरी हुई। मुद्दे: शिव कार्तिकेयन की अन्य प्रतिबद्धता और COVID-19 महामारी, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी नवंबर 2022 में हुई। फिल्म में संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, सिनेमाटोग्राफी नीरव शाह द्वारा और संपादन रूबेन द्वारा किया गया है। इसमें 4,500 से अधिक दृश्य प्रभाव वाले शॉट्स है, जो किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो तमीज के रूप में है शिव कार्तिकेयन, टेंडू की आवाज़ में बने हैं सिद्धार्थ, टेंडू के लिए मोशन कैप्चर के रूप में वेंकटेश सेनगुट्टूवन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे, और तारा के रूप में है राकुल प्रीत सिंह, आर्यन के रूप में शरद केलकर, एलिजा के रूप में हैं ईशा कोपीकर हमें इस फिल्म में ये सभी कलाकार दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2018 को चेन्नई में एक लॉन्च इवेंट से पहले शुरू हुई। इसके बाद फिल्म की टीम एक संक्षिप्त कार्यक्रम के लिए गोकुलम स्टूडियो गई। नीरव शाह ने एलेक्सन LF कैमरे का उपयोग किया, जिससे आइलन इस कैमरे का उपयोग करके शूट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म के अधिकांश भाग चेन्नई में शूट किए गए थे और इसे नियमित अंतराल पर शूट किया गया था, जिसमें अन्य परियोजनाओं में शिव कार्तिकेयन की प्रतिबद्धताओं के कारण देरी हुई। 18 फरवरी 2019 को शिव कार्तिकेयन ने पुष्टि की कि
चेन्नई में फिल्मांकन फिर से शुरू कर दिया गया है। हालांकि मिस्टर लोकल नम्मा विट्टू पिल्लई और हीरो के निर्माण में उनकी भागीदारी ने इस परियोजना में और देरी कर दी। इसके अलावा राजा के प्रोडक्शन हाउस 24 AM स्टूडियोज से जुड़े वित्तीय मुद्दे भी थे, जिसके कारण उन्हें इस परियोजना से पीछे हटना पड़ा और KJR स्टूडियोज के अधिग्रहण से पहले शिव कार्तिकेयन ने खुद फिल्म के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया के एम सुगंत ने 3.5 out of 5 स्टार दी रेटिंग दी और लिखा है कि यह रवि कुमार की अवधारणाओं को वह मोड़ है जो हमने कई हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। महाशक्तियां, यूएफओ, अतिरिक्त स्थलीय शक्तिशाली रोबोट, फीमेल फेटल्स, बड़े बड़े पैमाने पर विनाश जो एलन को सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजक बनाता है। इससे परिवारों के लिए विशेषकर बच्चों के लिए एक महान उत्सव घड़ी बनाएगी। इंडिया टुडे के जननी के ने 2.5 out of 5 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि एलन बच्चों के लिए एक मज़ेदार फिल्म है और इसकी वजह से यह उन्हें अधिक आकर्षित कर सकती है सरलित दृष्टिकोण से। वही बात कर मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, एलन को पोंगल के सप्ताह के दौरान और कैप्टन मिलर के साथ टकराव के दौरान 12 जनवरी 2024 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज किया गया था। दिसंबर 2021 तक 24 AM स्टूडियो द्वारा टैग एंटरटेनमेंट से 5 करोड़ उधार लेने के कारण फिल्म को अपनी रिलीज पर निश्चितता का सामना करना पड़ रहा था और मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 तक इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2022 तक जब तक की राशि का भुगतान नहीं किया गया था ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप फिल्म इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स, फिल्म के प्रसारण अधिकार सन टीवी और यन सन नेक्स्टी को बेच दिए गए हैं, मतलब आप इस मूवी को वहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का तमिल में नाम है आइलन, जिसे हम नॉर्मली एलियन कहते हैं। वो एक 2024 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन फिल्म है, जिसे आर रवि कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और KJR स्टूडियो के तहत कोटापटी जे राकेश द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में शिव कार्तिकेयन और राकुलप्रीत सिंह, शरद केलकर, ईशा कोप्पिकर, करुणाकरन, योगी बाबू, डेविड ब्रॉटन डेविस, भानुप्रिया और बाला सरवनन सहायक भूमिकाओं में है, जबकि सिद्धार्थ की आवाज की भूमिका है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक दुष्ट वैज्ञानिक को घातक नोवा गैस बनाने से रोकने के लिए एक एलियन के साथ मिलकर काम करता है जो पृथ्वी को खतरे में डाल सकती है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2016 में 24 AM स्टूडियो द्वारा की गई थी, लेकिन KJR स्टूडियो के अधिग्रहण से पहले स्टूडियो पीछे हट गया और मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी और वित्तीय कारणों से देरी के बाद जनवरी 2021 की शुरुआत में पूरी हुई। मुद्दे, शिव कार्तिकेयन की अन्य प्रतिबद्धताओं और कोविड-19 महामारी, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी नवंबर 2022 में हुई। फिल्म में संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है। सिनेमाटोग्राफी नीरव शाह द्वारा और संपादन
रूबिन द्वारा किया गया है। इसमें 4,500 से अधिक दृश्य प्रभाव वाले शॉट्स है, जो किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो तमीज के रूप में है शिवकार्तिकेयन, टेंडू की आवाज में बने हैं सिद्धार्थ, टेंडू के लिए मोशन कैप्चर के रूप में वेंकटेश सेनगुट्टूवन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे, और तारा के रूप में है रकुलप्रीत सिंह, आर्यन के रूप में शरद केलकर, एलिजा के रूप में है ईशा कोप्पिकर हमें इस फिल्म में ये सभी कलाकार दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2018 को चेन्नई में एक लॉन्च इवेंट से पहले शुरू हुई। इसके बाद फिल्म की टीम एक संक्षिप्त कार्यक्रम के लिए गोकुलम स्टूडियो गई। नीरव शाह ने एलेक्सम एलएफ कैमरे का उपयोग किया, जिससे आयलन इस कैमरे का उपयोग करके शूट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म के अधिकांश भाग चेन्नई में शूट किए गए थे और इसे नियमित अंतराल पर शूट किया गया था, जिसमें अन्य परियोजनाओं में शिवकार्तिकेयन की प्रतिबद्धताओं के कारण देरी हुई। 18 फरवरी 2019 को शिवकार्तिकेयन ने पुष्टि की कि चेन्नई में फिल्मांकन फिर से शुरू कर दिया गया है। हालांकि मिस्टर लोकल नम्मा विट्टू पिल्लई और हीरो के निर्माण में उनकी भागीदारी ने इस परियोजना में और देरी कर दी। इसके अलावा राजा के प्रोडक्शन हाउस 24AM स्टूडियोज से जुड़े वित्तीय मुद्दे भी थे, जिसके कारण उन्हें इस परियोजना से पीछे हटना पड़ा और KJR स्टूडियोज के अधिग्रहण से पहले शिवकार्तिकेयन ने खुद फिल्म के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो फ्रेंड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया के एम सुगंत ने 3.5 out of 5 स्टार दी रेटिंग दी और लिखा है कि यह रवि कुमार की अवधारणाओं को वह मोड़ है जो हमने कई हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। महाशक्तियां, UFO, अतिरिक्त स्थलीय शक्तिशाली रोबोट, फीमेल फेटल्स, बड़े बड़े पैमाने पर विनाश जो एलन को सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजक बनाता है, इससे परिवारों के लिए विशेषकर बच्चों के लिए एक महान उत्सव घड़ी बनाएगी। इंडिया टुडे के जननी के ने 2.5 out of 5 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि एलन बच्चों के लिए एक मज़ेदार फिल्म है और इसकी वजह से यह उन्हें अधिक आकर्षित कर सकती है सरलित दृष्टिकोण से। वही बात कर मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो फ्रेंड्स एलन को पोंगल के सप्ताह के दौरान और कैप्टन मिलर के साथ टकराव के दौरान 12 जनवरी 2024 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज किया गया था। दिसंबर 2021 तक 24AM स्टूडियो द्वारा टैग एंटरटेनमेंट से 5 करोड़ उधार लेने के कारण फिल्म को अपनी रिलीज पर निश्चितता का सामना करना पड़ रहा था और मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 तक इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2022 तक जब तक कि राशि का भुगतान नहीं किया गया था ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स फिल्म के प्रसारण अधिकार सन टीवी और यन सन नेक्स्टी को बेच दिए गए हैं, मतलब आप इस मूवी को वहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस मूवी का तमिल में नाम है आयलन, जिसे हम नॉर्मली एलियन कहते हैं। वो एक 2024 की भारतीय तमिल भाषा की
साइंस फ्रिक्शन फिल्म है जिसे आर रवि कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और केजेआर स्टूडियो के तहत कोटापट्टी जे राकेश द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में शिव कार्तिकेयन और राकुल प्रीत सिंह, शरद केलकर, ईशा कोपीकर, करुणाकरण, योगी बाबू, डेविड ब्रॉटन डेविस, भानुप्रिया और बाला सरवनन सहायक भूमिकाओं में है, जबकि सिद्धार्थ की आवाज की भूमिका है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक दुष्ट वैज्ञानिक को घातक नोवा गैस बनाने से रोकने के लिए एक एलियन के साथ मिलकर काम करता है जो पृथ्वी को खतरे में डाल सकती है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2016 में 24AM स्टूडियो द्वारा की गई थी, लेकिन KJR स्टूडियो के अधिग्रहण से पहले स्टूडियो पीछे हट गया और मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी और वित्तीय कारणों से देरी के बाद जनवरी 2021 की शुरुआत में पूरी हुई। मुद्दे: शिव कार्तिकेयन की अन्य प्रतिबद्धताओं और कोविड-19 महामारी, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी नवंबर 2022 में हुई। फिल्म में संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, सिनेमाटोग्राफी नीरव शाह द्वारा और संपादन रूबेन द्वारा किया गया है। इसमें 4,500 से अधिक दृश्य प्रभाव वाले शॉट्स है जो किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो तमीज के रूप में है शिव कार्तिकेयन, टेंडू की आवाज में बने हैं सिद्धार्थ, टेंडू के लिए मोशन कैप्चर के रूप में वेंकटेश सेनगुट्टूवन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे और तारा के रूप में है राकुल प्रीत सिंह, आर्यन के रूप में शरद केलकर, एलिजा के रूप में हैं ईशा कोपीकर हमें इस फिल्म में ये सभी कलाकार दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2018 को चेन्नई में एक लॉन्च इवेंट से पहले शुरू हुई। इसके बाद फिल्म की टीम एक संक्षिप्त कार्यक्रम के लिए गोकुलम स्टूडियो गई। नीरव शाह ने एलेक्सा LF कैमरे का उपयोग किया जिससे आयलन इस कैमरे का उपयोग करके शूट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म के अधिकांश भाग चेन्नई में शूट किए गए थे और इसे नियमित अंतराल पर शूट किया गया था, जिसमें अन्य परियोजनाओं में शिव कार्तिकेयन की प्रतिबद्धताओं के कारण देरी हुई। 18 फरवरी 2019 को शिव कार्तिकेयन ने पुष्टि की कि चेन्नई में फिल्मांकन फिर से शुरू कर दिया गया है। हालांकि मिस्टर लोकल नम्मा विट्टू पिल्लई और हीरो के निर्माण में उनकी भागीदारी ने इस परियोजना में और देरी कर दी। इसके अलावा राजा के प्रोडक्शन हाउस 24AM स्टूडियोज से जुड़े वित्तीय मुद्दे भी थे जिसके कारण उन्हें इस परियोजना से पीछे हटना पड़ा और KJR स्टूडियोज के अधिग्रहण से पहले शिव कार्तिकेयन ने खुद फिल्म के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया के M सुगंत ने 3.5 out of 5 स्टार दिए रेटिंग दी और लिखा है कि यह रवि कुमार की अवधारणाओं को वह मोड़ है जो हमने कई हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। महाशक्तियां, UFO, अतिरिक्त स्थलीय शक्तिशाली रोबोट, फीमेल फेटल्स, बड़े बड़े पैमाने पर विनाश जो एलन को सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजक बनाता है,
इससे परिवारों की लीन विशेषकर बच्चों के लिए एक महान उत्सव घड़ी बनाएगी। इंडिया टुडे के जननी के ने 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि एलन बच्चों के लिए एक मज़ेदार फिल्म है और इसकी वजह से यह उन्हें अधिक आकर्षित कर सकती है सरलित दृष्टिकोण से। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो फ्रेंड्स एलन को पोंगल के सप्ताह के दौरान और कैप्टन मिलर के साथ टकराव के दौरान 12 जनवरी 2024 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज किया गया था। दिसंबर 2021 तक 24 AM स्टूडियो द्वारा टैग एंटरटेनमेंट से 5 करोड़ उधार लेने के कारण फिल्म को अपनी रिलीज पर निश्चितता का सामना करना पड़ रहा था और मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 तक इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2022 तक जब तक कि राशि का भुगतान नहीं किया गया था ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स फिल्म के प्रसारण अधिकार सन टीवी और यन सन नेक्स्टी को बेच दिए गए हैं, मतलब आप इस मूवी को वहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस मूवी का तमिल में नाम है आयलन, जिसे हम नॉर्मली एलियन कहते हैं। वो एक 2024 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन फिल्म है जिसे आर रवि कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और KJR स्टूडियो के तहत कोटापटी जे राकेश द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में शिव कार्तिकेयन और रकुल प्रीत सिंह, शरद केलकर, ईशा कोपीकर, करुणाकरण, योगी बाबू, डेविड ब्रॉटन डेविस, भानुप्रिया और बाला सरवनन सहायक भूमिकाओं में है, जबकि सिद्धार्थ की आवाज की भूमिका है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक दुष्ट वैज्ञानिक को घातक नोवा गैस बनाने से रोकने के लिए एक एलियन के साथ मिलकर काम करता है जो पृथ्वी को खतरे में डाल सकती है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2016 में 24 AM स्टूडियो द्वारा की गई थी, लेकिन KJR स्टूडियो के अधिग्रहण से पहले स्टूडियो पीछे हट गया और मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी और वित्तीय कारणों से देरी के बाद जनवरी 2021 की शुरुआत में पूरी हुई। मुद्दे शिव कार्तिकेयन की अन्य प्रतिबद्धता और COVID-19 महामारी, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी नवंबर 2022 में हुई। फिल्म में संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, सिनेमाटोग्राफी नीरव शाह द्वारा और संपादन रूबेन द्वारा किया गया है। इसमें 4,500 से अधिक दृश्य प्रभाव वाले शॉट्स है जो किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो तमीज के रूप में है शिव कार्तिकेयन, टेंडू की आवाज़ में बने हैं सिद्धार्थ, टेंडू के लिए मोशन कैप्चर के रूप में वेंकटेश सेनगुट्टूवन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे और तारा के रूप में है रकुल प्रीत सिंह, आर्यन के रूप में शरद केलकर, एलिजा के रूप में हैं ईशा कोपीकर हमें इस फिल्म में ये सभी कलाकार दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2018 को चेन्नई में एक लॉन्च इवेंट से पहले शुरू हुई। इसके बाद फिल्म की टीम एक संक्षिप्त कार्यक्रम के लिए गोकुलम स्टूडियो गई। नीरव शाह ने एलेक्सम LF कैमरे का उपयोग किया, जिससे आयलन इस कैमरे का उपयोग करके शूट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म के अधिकांश भाग चेन्नई में शूट किए गए थे और इसे नियमित
अंतराल पर शूट किया गया था, जिसमें अन्य परियोजनाओं में शिवकार्तिकेयन की प्रतिबद्धताओं के कारण देरी हुई। 18 फरवरी 2019 को शिवकार्तिकेयन ने पुष्टि की कि चेन्नई में फिल्मांकन फिर से शुरू कर दिया गया है। हालांकि मिस्टर लोकल नम्मा विट्टू पिल्लई और हीरो के निर्माण में उनकी भागीदारी ने इस परियोजना में और देरी कर दी। इसके अलावा राजा के प्रोडक्शन हाउस 24 AM स्टूडियोज से जुड़े वित्तीय मुद्दे भी थे, जिसके कारण उन्हें इस परियोजना से पीछे हटना पड़ा और KJR स्टूडियोज के अधिग्रहण से पहले शिवकार्तिकेयन ने खुद फिल्म के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया के एम सुगंत ने 3.5 out of 5 स्टार दी रेटिंग दी और लिखा है कि यह रवि कुमार की अवधारणाओं को वह मोड है जो हमने कई हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। महाशक्तियां, यूएफओ, अतिरिक्त स्थलियम, शक्तिशाली रोबोट, फीमेल फेटल्स, बड़े बड़े पैमाने पर विनाश जो एलन को सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजक बनाता है। इससे परिवारों के लिए विशेषकर बच्चों के लिए एक महान उत्सव घड़ी बनाएगी। इंडिया टुडे के जननी के ने 2.5 out of 5 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि एलन बच्चों के लिए एक मज़ेदार फिल्म है और इसकी वजह से यह उन्हें अधिक आकर्षित कर सकती है सरलित दृष्टिकोण से। वही बात कर मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, एलन को पोंगल के सप्ताह के दौरान और कैप्टन मिलर के साथ टकराव के दौरान 12 जनवरी 2024 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज किया गया था। दिसंबर 2021 तक 24 AM स्टूडियो द्वारा टैग एंटरटेनमेंट से 5 करोड़ उधार लेने के कारण फिल्म को अपनी रिलीज पर निश्चितता का सामना करना पड़ रहा था और मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 तक इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2022 तक जब तक की राशि का भुगतान नहीं किया गया था ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स, फिल्म के प्रसारण अधिकार सन टीवी और यन सन नेक्स्टी को बेच दिए गए हैं, मतलब आप इस मूवी को वहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का तमिल में नाम है आयलन, जिसे हम नॉर्मली एलियन कहते हैं। वो एक 2024 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फ्रिक्शन फिल्म है, जिसे आर रवि कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और KJR स्टूडियो के तहत कोटापटी जे राकेश द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में शिवकार्तिकेयन और राकुल प्रीत सिंह, शरद केलकर, ईशा कोपिकर, करुणाकरण, योगी बाबू, डेविड ब्रॉटन डेविस, भानुप्रिया और बाला सरवनन सहायक भूमिकाओं में है, जबकि सिद्धार्थ की आवाज की भूमिका है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक दुष्ट वैज्ञानिक को घातक नोवा गैस बनाने से रोकने के लिए एक एलियन के साथ मिलकर काम करता है जो पृथ्वी को खतरे में डाल सकती है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2016 में 24 AM स्टूडियो द्वारा की गई थी, लेकिन KJR स्टूडियो के अधिग्रहण से पहले स्टूडियो पीछे हट गया और मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी और वित्तीय कारणों से देरी के बाद जनवरी 2021 की शुरुआत में पूरी हुई। मुद्दे,
शिव कार्तिकेयन की अन्य प्रतिबद्धताओं और कोविड-19 महामारी, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी नवंबर 2022 में हुई। फिल्म में संगीत A.R. रहमान द्वारा दिया गया है। सिनेमाटोग्राफी नीरव शाह द्वारा और संपादन रूबेन द्वारा किया गया है। इसमें 4,500 से अधिक दृश्य प्रभाव वाले शॉट्स है, जो किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो तमीज के रूप में है शिव कार्तिकेयन, टेंडू की आवाज़ में बने हैं सिद्धार्थ, टेंडू के लिए मोशन कैप्चर के रूप में वेंकटेश सेनगुट्टूवन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे, और तारा के रूप में है रकुलप्रीत सिंह, आर्यन के रूप में शरद केलकर, एलिजा के रूप में है ईशा कोप्पिकर हमें इस फिल्म में ये सभी कलाकार दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2018 को चेन्नई में एक लॉन्च इवेंट से पहले शुरू हुई। इसके बाद फिल्म की टीम एक संक्षिप्त कार्यक्रम के लिए गोकुलम स्टूडियो गई। नीरव शाह ने एलेक्सम LF कैमरे का उपयोग किया, जिससे आयलन इस कैमरे का उपयोग करके शूट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म के अधिकांश भाग चेन्नई में शूट किए गए थे और इसे नियमित अंतराल पर शूट किया गया था, जिसमें अन्य परियोजनाओं में शिव कार्तिकेयन की प्रतिबद्धताओं के कारण देरी हुई। 18 फरवरी 2019 को शिव कार्तिकेयन ने पुष्टि की कि चेन्नई में फिल्मांकन फिर से शुरू कर दिया गया है। हालांकि मिस्टर लोकल नम्मा विट्टू पिल्लई और हीरो के निर्माण में उनकी भागीदारी ने इस परियोजना में और देरी कर दी। इसके अलावा राजा के प्रोडक्शन हाउस 24AM स्टूडियोज से जुड़े वित्तीय मुद्दे भी थे, जिसके कारण उन्हें इस परियोजना से पीछे हटना पड़ा और KJR स्टूडियोज के अधिग्रहण से पहले शिव कार्तिकेयन ने खुद फिल्म के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो फ्रेंड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया के M सुगंत ने 3.5 out of 5 स्टार दी रेटिंग दी और लिखा है कि यह रवि कुमार की अवधारणाओं को वह मोड़ है जो हमने कई हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। महाशक्तियां, UFO, अतिरिक्त स्थलीय शक्तिशाली रोबोट, फीमेल फेटल्स, बड़े बड़े पैमाने पर विनाश जो एलन को सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजक बनाता है। इससे परिवारों के लिए विशेषकर बच्चों के लिए एक महान उत्सव घड़ी बनाएगी। इंडिया टुडे के जननी के ने 2.5 out of 5 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि एलन बच्चों के लिए एक मज़ेदार फिल्म है और इसकी वजह से यह उन्हें अधिक आकर्षित कर सकती है सरलित दृष्टिकोण से। वही बात कर मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो फ्रेंड्स एलन को पोंगल के सप्ताह के दौरान और कैप्टन मिलर के साथ टकराव के दौरान 12 जनवरी 2024 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज किया गया था। दिसंबर 2021 तक 24AM स्टूडियो द्वारा टैग एंटरटेनमेंट से 5 करोड़ उधार लेने के कारण फिल्म को अपनी रिलीज पर निश्चितता का सामना करना पड़ रहा था और मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 तक इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2022 तक जब तक की राशि का भुगतान नहीं किया गया था ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहाँ पर आप फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स
फिल्म के प्रसारण अधिकार सन टीवी और यन सन नेक्स्टी को बेच दिए गए हैं। मतलब आप इस मूवी को वहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का तमिल में नाम है आइलन, जिसे हम नॉर्मली एलियन कहते हैं। वो एक 2024 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन फिल्म है, जिसे आर रवि कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और KJR स्टूडियो के तहत कोटापट्टी जे राकेश द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में शिव कार्तिकेयन और राकुल प्रीत सिंह, शरद केलकर, ईशा कोपीकर, करुणाकरण, योगी बाबू, डेविड ब्रॉटन डेविस, भानुप्रिया और बाला सरवनन सहायक भूमिकाओं में है, जबकि सिद्धार्थ की आवाज़ की भूमिका है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक दुष्ट वैज्ञानिक को घातक नोवा गैस बनाने से रोकने के लिए एक एलियन के साथ मिलकर काम करता है, जो पृथ्वी को खतरे में डाल सकती है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2016 में 24AM स्टूडियो द्वारा की गई थी, लेकिन KJR स्टूडियो के अधिग्रहण से पहले स्टूडियो पीछे हट गया और मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी और वित्तीय कारणों से देरी के बाद जनवरी 2021 की शुरुआत में पूरी हुई। मुद्दे: शिव कार्तिकेयन की अन्य प्रतिबद्धताओं और COVID-19 महामारी, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी नवंबर 2022 में हुई। फिल्म में संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, सिनेमाटोग्राफी नीरव शाह द्वारा और संपादन रूबेन द्वारा किया गया है। इसमें 4,500 से अधिक दृश्य प्रभाव वाले शॉट्स है, जो किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो तमीज के रूप में है शिव कार्तिकेयन, टेंडू की आवाज़ में बने हैं सिद्धार्थ, टेंडू के लिए मोशन कैप्चर के रूप में वेंकटेश सेनगुट्टूवन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे, और तारा के रूप में है राकुल प्रीत सिंह, आर्यन के रूप में शरद केलकर, एलिजा के रूप में है ईशा कोपीकर हमें इस फिल्म में ये सभी कलाकार दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2018 को चेन्नई में एक लॉन्च इवेंट से पहले शुरू हुई। इसके बाद फिल्म की टीम एक संक्षिप्त कार्यक्रम के लिए गोकुलम स्टूडियो गई। नीरव शाह ने एलेक्सा LF कैमरे का उपयोग किया, जिससे आइलन इस कैमरे का उपयोग करके शूट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म के अधिकांश भाग चेन्नई में शूट किए गए थे और इसे नियमित अंतराल पर शूट किया गया था, जिसमें अन्य परियोजनाओं में शिव कार्तिकेयन की प्रतिबद्धताओं के कारण देरी हुई। 18 फरवरी 2019 को शिव कार्तिकेयन ने पुष्टि की कि चेन्नई में फिल्मांकन फिर से शुरू कर दिया गया है। हालांकि मिस्टर लोकल नम्मा विट्टू पिल्लई और हीरो के निर्माण में उनकी भागीदारी ने इस परियोजना में और देरी कर दी। इसके अलावा राजा के प्रोडक्शन हाउस 24AM स्टूडियोज से जुड़े वित्तीय मुद्दे भी थे, जिसके कारण उन्हें इस परियोजना से पीछे हटना पड़ा और KJR स्टूडियोज के अधिग्रहण से पहले शिव कार्तिकेयन ने खुद फिल्म के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो फ्रेंड्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया के M सुगंत ने 3.5 out of 5 स्टार दी रेटिंग दी और लिखा है कि यह रवि कुमार की अवधारणाओं को वह मोड़ है जो हमने कई हॉलीवुड फिल्मों में देखा है।
महाशक्तियम यूफो अतिरिक्त स्थलियम शक्तिशाली रोबोट फीमेल फेटल्स बड़े बड़े पैमाने पर विनाश जो एलन को सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजक बनाता है। इससे परिवारों के लिए विशेषकर बच्चों के लिए एक महान उत्सव घड़ी बनाएगी। इंडिया टुडे के जननी के ने 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि एलन बच्चों के लिए एक मज़ेदार फिल्म है और इसकी वजह से यह उन्हें अधिक आकर्षित कर सकती है सरलित दृष्टिकोण से। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो फ्रेंड्स एलन को पोंगल के सप्ताह के दौरान और कैप्टन मिलर के साथ टकराव के दौरान 12 जनवरी 2024 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज किया गया था। दिसंबर 2021 तक 24AM स्टूडियो द्वारा टैग एंटरटेनमेंट से 5 करोड़ उधार लेने के कारण फिल्म को अपनी रिलीज पर निश्चितता का सामना करना पड़ रहा था और मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 तक इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2022 तक जब तक की राशि का भुगतान नहीं किया गया था ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स फिल्म के प्रसारण अधिकार सन टीवी और यन सन नेक्स्टी को बेच दिए गए हैं, मतलब आप इस मूवी को वहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस मूवी का तमिल में नाम है आयलन, जिसे हम नॉर्मली एलियन कहते हैं। वो एक 2024 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन फिल्म है जिसे आर रवि कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और KJR स्टूडियो के तहत कोटापटी जे राकेश द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में शिव कार्तिकेयन और रकुल प्रीत सिंह, शरद केलकर, ईशा कोपीकर, करुणाकरण, योगी बाबू, डेविड ब्रॉटन डेविस, भानुप्रिया और बाला सरवनन सहायक भूमिकाओं में है, जबकि सिद्धार्थ की आवाज की भूमिका है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक दुष्ट वैज्ञानिक को घातक नोवा गैस बनाने से रोकने के लिए एक एलियन के साथ मिलकर काम करता है जो पृथ्वी को खतरे में डाल सकती है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2016 में 24AM स्टूडियो द्वारा की गई थी, लेकिन KJR स्टूडियो के अधिग्रहण से पहले स्टूडियो पीछे हट गया और मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी और वित्तीय कारणों से देरी के बाद जनवरी 2021 की शुरुआत में पूरी हुई। मुद्दे शिव कार्तिकेयन की अन्य प्रतिबद्धता और COVID-19 महामारी, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी नवंबर 2022 में हुई। फिल्म में संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, सिनेमाटोग्राफी नीरव शाह द्वारा और संपादन रूबेन द्वारा किया गया है। इसमें 4,500 से अधिक दृश्य प्रभाव वाले शॉट्स है जो किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो तमीज के रूप में है शिव कार्तिकेयन, टेंडू की आवाज़ में बने हैं सिद्धार्थ, टेंडू के लिए मोशन कैप्चर के रूप में वेंकटेश सेनगुट्टूवन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे, और तारा के रूप में है रकुल प्रीत सिंह, आर्यन के रूप में शरद केलकर, एलिजा के रूप में हैं ईशा कोपीकर हमें इस फिल्म में ये सभी कलाकार दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2018 को चेन्नई में एक लॉन्च इवेंट से पहले शुरू हुई। इसके बाद फिल्म की टीम एक संक्षिप्त कार्यक्रम के लिए गोकुलम स्टूडियो गई। नीरव शाह ने एलेक्सम एलेफ K
कैमरे का उपयोग किया, जिससे एलन इस कैमरे का उपयोग करके शूट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म के अधिकांश भाग चेन्नई में शूट किए गए थे और इसे नियमित अंतराल पर शूट किया गया था, जिसमें अन्य परियोजनाओं में शिवकार्तिकेयन की प्रतिबद्धताओं के कारण देरी हुई। 18 फरवरी 2019 को शिवकार्तिकेयन ने पुष्टि की कि चेन्नई में फिल्मांकन फिर से शुरू कर दिया गया है। हालांकि मिस्टर लोकल नम्मा विट्टू पिल्लई और हीरो के निर्माण में उनकी भागीदारी ने इस परियोजना में और देरी कर दी। इसके अलावा राजा के प्रोडक्शन हाउस 24AM स्टूडियोज से जुड़े वित्तीय मुद्दे भी थे, जिसके कारण उन्हें इस परियोजना से पीछे हटना पड़ा और KJR स्टूडियोज के अधिग्रहण से पहले शिवकार्तिकेयन ने खुद फिल्म के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो फ्रेंड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया के एम सुगंत ने 3.5 out of 5 स्टार दी रेटिंग दी और लिखा है कि यह रवि कुमार की अवधारणाओं को वह मोड है जो हमने कई हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। महाशक्तियां, यूएफओ, अतिरिक्त स्थलियम, शक्तिशाली रोबोट, फीमेल फेटल्स, बड़े बड़े पैमाने पर विनाश जो एलन को सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजक बनाता है। इससे परिवारों के लिए, विशेषकर बच्चों के लिए एक महान उत्सव घड़ी बनाएगी। इंडिया टुडे के जननी के ने 2.5 out of 5 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि एलन बच्चों के लिए एक मज़ेदार फिल्म है और इसकी वजह से यह उन्हें अधिक आकर्षित कर सकती है सरलित दृष्टिकोण से। वही बात कर मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो फ्रेंड्स एलन को पोंगल के सप्ताह के दौरान और कैप्टन मिलर के साथ टकराव के दौरान 12 जनवरी 2024 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज किया गया था। दिसंबर 2021 तक 24AM स्टूडियो द्वारा टैग एंटरटेनमेंट से 5 करोड़ उधार लेने के कारण फिल्म को अपनी रिलीज पर निश्चितता का सामना करना पड़ रहा था और मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 तक इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2022 तक जब तक की राशि का भुगतान नहीं किया गया था ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप फिल्म इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स फिल्म के प्रसारण अधिकार सन टीवी और यन सन नेक्स्टी को बेच दिए गए हैं, मतलब आप इस मूवी को वहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस मूवी का तमिल में नाम है आइलन, जिसे हम नॉर्मली एलियन कहते हैं। वो एक 2024 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फ्रिक्शन फिल्म है, जिसे आर रवि कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और KJR स्टूडियो के तहत कोटापटी जे राकेश द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में शिवकार्तिकेयन और रकुलप्रीत सिंह, शरद केलकर, ईशा कोपीकर, करुणाकरण, योगी बाबू, डेविड ब्रॉटन डेविस, भानुप्रिया और बाला सरवनन सहायक भूमिकाओं में है, जबकि सिद्धार्थ की आवाज की भूमिका है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक दुष्ट वैज्ञानिक को घातक नोवा गैस बनाने से रोकने के लिए एक एलियन के साथ मिलकर काम करता है जो पृथ्वी को खतरे में डाल सकती है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2016 में 24AM स्टूडियो द्वारा की गई थी, लेकिन KJR स्टूडियो के अधिग्रहण से पहले स्टूडियो पीछे हट गया।
और मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी और वित्तीय कारणों से देरी के बाद जनवरी 2021 की शुरुआत में पूरी हुई। मुद्दे: शिवकार्तिकेयन की अन्य प्रतिबद्धताओं और कोविड-19 महामारी, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी नवंबर 2022 में हुई। फिल्म में संगीत A.R. रहमान द्वारा दिया गया है। सिनेमाटोग्राफी नीरव शाह द्वारा और संपादन रूबेन द्वारा किया गया है। इसमें 4,500 से अधिक दृश्य प्रभाव वाले शॉट्स है, जो किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो तमीज के रूप में है शिवकार्तिकेयन, टेंडू की आवाज में बने हैं सिद्धार्थ, टेंडू के लिए मोशन कैप्चर के रूप में वेंकटेश सेनगुट्टूवन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे, और तारा के रूप में है रकुलप्रीत सिंह, आर्यन के रूप में शरद केलकर, एलिजा के रूप में हैं ईशा कोप्पिकर हमें इस फिल्म में ये सभी कलाकार दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2018 को चेन्नई में एक लॉन्च इवेंट से पहले शुरू हुई। इसके बाद फिल्म की टीम एक संक्षिप्त कार्यक्रम के लिए गोकुलम स्टूडियो गई। नीरव शाह ने एलेक्सम LF कैमरे का उपयोग किया, जिससे आयलन इस कैमरे का उपयोग करके शूट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म के अधिकांश भाग चेन्नई में शूट किए गए थे और इसे नियमित अंतराल पर शूट किया गया था, जिसमें अन्य परियोजनाओं में शिवकार्तिकेयन की प्रतिबद्धताओं के कारण देरी हुई। 18 फरवरी 2019 को शिवकार्तिकेयन ने पुष्टि की कि चेन्नई में फिल्मांकन फिर से शुरू कर दिया गया है। हालांकि मिस्टर लोकल नम्मा विट्टू पिल्लई और हीरो के निर्माण में उनकी भागीदारी ने इस परियोजना में और देरी कर दी। इसके अलावा राजा के प्रोडक्शन हाउस 24AM स्टूडियोज से जुड़े वित्तीय मुद्दे भी थे, जिसके कारण उन्हें इस परियोजना से पीछे हटना पड़ा और KJR स्टूडियोज के अधिग्रहण से पहले शिवकार्तिकेयन ने खुद फिल्म के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो फ्रेंड्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया के M सुगंत ने 3.5 out of 5 स्टार दी रेटिंग दी और लिखा है कि यह रवि कुमार की अवधारणाओं को वह मोड़ है जो हमने कई हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। महाशक्तियां, UFO, अतिरिक्त स्थलीय शक्तिशाली रोबोट, फीमेल फेटल्स, बड़े बड़े पैमाने पर विनाश जो एलन को सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजक बनाता है। इससे परिवारों के लिए, विशेषकर बच्चों के लिए एक महान उत्सव घड़ी बनाएगी। इंडिया टुडे के जननी के ने 2.5 out of 5 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि एलन बच्चों के लिए एक मज़ेदार फिल्म है और इसकी वजह से यह उन्हें अधिक आकर्षित कर सकती है सरलित दृष्टिकोण से। वही बात कर मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो फ्रेंड्स, एलन को पोंगल के सप्ताह के दौरान और कैप्टन मिलर के साथ टकराव के दौरान 12 जनवरी 2024 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज किया गया था। दिसंबर 2021 तक 24AM स्टूडियो द्वारा टैग एंटरटेनमेंट से 5 करोड़ उधार लेने के कारण फिल्म को अपनी रिलीज पर निश्चितता का सामना करना पड़ रहा था और मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 तक इसकी रिलीज पर रोक लगा
दी थी। जनवरी 2022 तक जब तक की राशि का भुगतान नहीं किया गया था ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप फिल्म इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स फिल्म के प्रसारण अधिकार सन टीवी और एन सन नेक्स्टी को बेच दिए गए हैं, मतलब आप इस मूवी को वहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस मूवी का तमिल में नाम है आइलन, जिसे हम नॉर्मली एलियन कहते हैं। वो एक 2024 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन फिल्म है, जिसे आर रवि कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और केजेआर स्टूडियो के तहत कोटापट्टी जे राकेश द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में शिव कार्तिकेयन और राकुल प्रीत सिंह, शरद केलकर, ईशा कोपीकर, करुणाकरण, योगी बाबू, डेविड ब्रॉटन डेविस, भानुप्रिया और बाला सरवनन सहायक भूमिकाओं में है, जबकि सिद्धार्थ की आवाज की भूमिका है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक दुष्ट वैज्ञानिक को घातक नोवा गैस बनाने से रोकने के लिए एक एलियन के साथ मिलकर काम करता है जो पृथ्वी को खतरे में डाल सकती है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2016 में 24AM स्टूडियो द्वारा की गई थी, लेकिन KJR स्टूडियो के अधिग्रहण से पहले स्टूडियो पीछे हट गया और मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी और वित्तीय कारणों से देरी के बाद जनवरी 2021 की शुरुआत में पूरी हुई। मुद्दे शिव कार्तिकेयन की अन्य प्रतिबद्धताओं और COVID-19 महामारी, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी नवंबर 2022 में हुई। फिल्म में संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, सिनेमाटोग्राफी नीरव शाह द्वारा और संपादन रूबेन द्वारा किया गया है। इसमें 4,500 से अधिक दृश्य प्रभाव वाले शॉट्स है, जो किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो तमीज के रूप में है शिव कार्तिकेयन, टेंडू की आवाज में बने हैं सिद्धार्थ, टेंडू के लिए मोशन कैप्चर के रूप में वेंकटेश सेनगुट्टूवन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे, और तारा के रूप में है राकुल प्रीत सिंह, आर्यन के रूप में शरद केलकर, एलिजा के रूप में हैं ईशा कोपीकर हमें इस फिल्म में ये सभी कलाकार दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2018 को चेन्नई में एक लॉन्च इवेंट से पहले शुरू हुई। इसके बाद फिल्म की टीम एक संक्षिप्त कार्यक्रम के लिए गोकुलम स्टूडियो गई। नीरव शाह ने एलेक्सम LF कैमरे का उपयोग किया, जिससे आइलन इस कैमरे का उपयोग करके शूट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म के अधिकांश भाग चेन्नई में शूट किए गए थे और इसे नियमित अंतराल पर शूट किया गया था, जिसमें अन्य परियोजनाओं में शिव कार्तिकेयन की प्रतिबद्धताओं के कारण देरी हुई। 18 फरवरी 2019 को शिव कार्तिकेयन ने पुष्टि की कि चेन्नई में फिल्मांकन फिर से शुरू कर दिया गया है। हालांकि मिस्टर लोकल नम्मा विट्टू पिल्लई और हीरो के निर्माण में उनकी भागीदारी ने इस परियोजना में और देरी कर दी। इसके अलावा राजा के प्रोडक्शन हाउस 24AM स्टूडियोज से जुड़े वित्तीय मुद्दे भी थे, जिसके कारण उन्हें इस परियोजना से पीछे हटना पड़ा और KJR स्टूडियोज के अधिग्रहण से पहले शिव कार्तिकेयन ने खुद फिल्म के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया के M सुगंत ने
3.5 out of 5 स्टार दी रेटिंग दी और लिखा है कि यह रवि कुमार की अवधारणाओं को वह मोड़ है जो हमने कई हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। महाशक्तियाम, यूफो, अतिरिक्त स्थलियम, शक्तिशाली रोबोट, फीमेल फेटल्स, बड़े बड़े पैमाने पर विनाश जो एलन को सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजक बनाता है। इससे परिवारों के लिए विशेषकर बच्चों के लिए एक महान उत्सव घड़ी बनाएगी। इंडिया टुडे के जननी के ने 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि एलन बच्चों के लिए एक मज़ेदार फिल्म है और इसकी वजह से यह उन्हें अधिक आकर्षित कर सकती है सरलित दृष्टिकोण से। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो फ्रेंड्स एलन को पोंगल के सप्ताह के दौरान और कैप्टन मिलर के साथ टकराव के दौरान 12 जनवरी 2024 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज किया गया था। दिसंबर 2021 तक 24 एएम स्टूडियो द्वारा टैग एंटरटेनमेंट से 5 करोड़ उधार लेने के कारण फिल्म को अपनी रिलीज पर निश्चितता का सामना करना पड़ रहा था और मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 तक इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2022 तक जब तक की राशि का भुगतान नहीं किया गया था ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स फिल्म के प्रसारण अधिकार सन टीवी और यन सन नेक्स्टी को बेच दिए गए हैं, मतलब आप इस मूवी को वहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस मूवी का तमिल में नाम है आयलन, जिसे हम नॉर्मली एलियन कहते हैं। वो एक 2024 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन फिल्म है जिसे आर रवि कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और केजेआर स्टूडियो के तहत कोटापटी जे राकेश द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में शिव कार्तिकेयन और रकुल प्रीत सिंह, शरद केलकर, ईशा कोपीकर, करुणाकरण, योगी बाबू, डेविड ब्रॉटन डेविस, भानुप्रिया और बाला सरवनन सहायक भूमिकाओं में है, जबकि सिद्धार्थ की आवाज की भूमिका है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक दुष्ट वैज्ञानिक को घातक नोवा गैस बनाने से रोकने के लिए एक एलियन के साथ मिलकर काम करता है जो पृथ्वी को खतरे में डाल सकती है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2016 में 24 एएम स्टूडियो द्वारा की गई थी, लेकिन केजेआर स्टूडियो के अधिग्रहण से पहले स्टूडियो पीछे हट गया और मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी और वित्तीय कारणों से देरी के बाद जनवरी 2021 की शुरुआत में पूरी हुई। मुद्दे शिव कार्तिकेयन की अन्य प्रतिबद्धता और कोविड-19 महामारी, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी नवंबर 2022 में हुई। फिल्म में संगीत एआर रहमान द्वारा दिया गया है, सिनेमाटोग्राफी नीरव शाह द्वारा और संपादन रूबेन द्वारा किया गया है। इसमें 4,500 से अधिक दृश्य प्रभाव वाले शॉट्स है जो किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो तमीज के रूप में है शिव कार्तिकेयन, टेंडू की आवाज़ में बने हैं सिद्धार्थ, टेंडू के लिए मोशन कैप्चर के रूप में वेंकटेश सेनगुट्टूवन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे, और तारा के रूप में है रकुल प्रीत सिंह, आर्यन के रूप में शरद केलकर, एलिजा के रूप में हैं ईशा कोपीकर हमें इस फिल्म में ये सभी कलाकार दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2018 को
चेन्नई में एक लॉन्च इवेंट से पहले शुरू हुई। इसके बाद फिल्म की टीम एक संक्षिप्त कार्यक्रम के लिए गोकुलम स्टूडियो गई। नीरव शाह ने एलेक्सन एलेफ कैमरे का उपयोग किया, जिससे एलन इस कैमरे का उपयोग करके शूट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म के अधिकांश भाग चेन्नई में शूट किए गए थे और इसे नियमित अंतराल पर शूट किया गया था, जिसमें अन्य परियोजनाओं में शिवकार्तिकेयन की प्रतिबद्धताओं के कारण देरी हुई। 18 फरवरी 2019 को शिवकार्तिकेयन ने पुष्टि की कि चेन्नई में फिल्मांकन फिर से शुरू कर दिया गया है। हालांकि मिस्टर लोकल नम्मा विट्टू पिल्लई और हीरो के निर्माण में उनकी भागीदारी ने इस परियोजना में और देरी कर दी। इसके अलावा राजा के प्रोडक्शन हाउस 24AM स्टूडियोज से जुड़े वित्तीय मुद्दे भी थे, जिसके कारण उन्हें इस परियोजना से पीछे हटना पड़ा और KJR स्टूडियोज के अधिग्रहण से पहले शिवकार्तिकेयन ने खुद फिल्म के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो फ्रेंड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया के एम सुगंत ने 3.5 out of 5 स्टार दी रेटिंग दी और लिखा है कि यह रवि कुमार की अवधारणाओं को वह मोड है जो हमने कई हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। महाशक्तियां, यूएफओ, अतिरिक्त स्थलियम, शक्तिशाली रोबोट, फीमेल फेटल्स, बड़े बड़े पैमाने पर विनाश जो एलन को सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजक बनाता है। इससे परिवारों के लिए विशेषकर बच्चों के लिए एक महान उत्सव घड़ी बनाएगी। इंडिया टुडे के जननी के ने 2.5 out of 5 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि एलन बच्चों के लिए एक मज़ेदार फिल्म है और इसकी वजह से यह उन्हें अधिक आकर्षित कर सकती है सरलित दृष्टिकोण से। वही बात कर मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो फ्रेंड्स एलन को पोंगल के सप्ताह के दौरान और कैप्टन मिलर के साथ टकराव के दौरान 12 जनवरी 2024 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज किया गया था। दिसंबर 2021 तक 24AM स्टूडियो द्वारा टैग एंटरटेनमेंट से 5 करोड़ उधार लेने के कारण फिल्म को अपनी रिलीज पर निश्चितता का सामना करना पड़ रहा था और मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 तक इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2022 तक जब तक की राशि का भुगतान नहीं किया गया था ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप फिल्म इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स फिल्म के प्रसारण अधिकार सन टीवी और यन सन नेक्स्टी को बेच दिए गए हैं, मतलब आप इस मूवी को वहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस मूवी का तमिल में नाम है आइलन, जिसे हम नॉर्मली एलियन कहते हैं। वो एक 2024 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फ्रिक्शन फिल्म है, जिसे आर रवि कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और KJR स्टूडियो के तहत कोटापटी जे राकेश द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में शिवकार्तिकेयन और रकुलप्रीत सिंह, शरद केलकर, ईशा कोप्पिकर, करुणाकरण, योगी बाबू, डेविड ब्रॉटन डेविस, भानुप्रिया और बाला सरवनन सहायक भूमिकाओं में है, जबकि सिद्धार्थ की आवाज की भूमिका है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक दुष्ट वैज्ञानिक को घातक नोवा गैस बनाने से रोकने के लिए एक एलियन के साथ मिलकर काम करता है, जो
पृथ्वी को खतरे में डाल सकती है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2016 में 24AM स्टूडियो द्वारा की गई थी, लेकिन KJR स्टूडियो के अधिग्रहण से पहले स्टूडियो पीछे हट गया और मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी और वित्तीय कारणों से देरी के बाद जनवरी 2021 की शुरुआत में पूरी हुई। मुद्दे: शिवकार्तिकेयन की अन्य प्रतिबद्धताओं और कोविड-19 महामारी, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी नवंबर 2022 में हुई। फिल्म में संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है। सिनेमाटोग्राफी नीरव शाह द्वारा और संपादन रूबेन द्वारा किया गया है। इसमें 4,500 से अधिक दृश्य प्रभाव वाले शॉट्स है, जो किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो तमीज के रूप में है शिवकार्तिकेयन, टेंडू की आवाज़ में बने हैं सिद्धार्थ, टेंडू के लिए मोशन कैप्चर के रूप में वेंकटेश सेनगुट्टूवन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे, और तारा के रूप में है रकुलप्रीत सिंह, आर्यन के रूप में शरद केलकर, एलिजा के रूप में हैं ईशा कोप्पिकर हमें इस फिल्म में ये सभी कलाकार दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2018 को चेन्नई में एक लॉन्च इवेंट से पहले शुरू हुई। इसके बाद फिल्म की टीम एक संक्षिप्त कार्यक्रम के लिए गोकुलम स्टूडियो गई। नीरव शाह ने एलेक्सम LF कैमरे का उपयोग किया, जिससे आयलन इस कैमरे का उपयोग करके शूट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म के अधिकांश भाग चेन्नई में शूट किए गए थे और इसे नियमित अंतराल पर शूट किया गया था, जिसमें अन्य परियोजनाओं में शिवकार्तिकेयन की प्रतिबद्धताओं के कारण देरी हुई। 18 फरवरी 2019 को शिवकार्तिकेयन ने पुष्टि की कि चेन्नई में फिल्मांकन फिर से शुरू कर दिया गया है। हालांकि मिस्टर लोकल नम्मा विट्टू पिल्लई और हीरो के निर्माण में उनकी भागीदारी ने इस परियोजना में और देरी कर दी। इसके अलावा राजा के प्रोडक्शन हाउस 24AM स्टूडियोज से जुड़े वित्तीय मुद्दे भी थे, जिसके कारण उन्हें इस परियोजना से पीछे हटना पड़ा और KJR स्टूडियोज के अधिग्रहण से पहले शिवकार्तिकेयन ने खुद फिल्म के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो फ्रेंड्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया के M सुगंत ने 3.5 out of 5 स्टार दी रेटिंग दी और लिखा है कि यह रवि कुमार की अवधारणाओं को वह मोड़ है जो हमने कई हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। महाशक्तियां, UFO, अतिरिक्त स्थलीय शक्तिशाली रोबोट, फीमेल फेटल्स, बड़े बड़े पैमाने पर विनाश जो एलन को सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजक बनाता है, इससे परिवारों के लिए विशेषकर बच्चों के लिए एक महान उत्सव घड़ी बनाएगी। इंडिया टुडे के जननी के ने 2.5 out of 5 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि एलन बच्चों के लिए एक मज़ेदार फिल्म है और इसकी वजह से यह उन्हें अधिक आकर्षित कर सकती है सरलित दृष्टिकोण से। वही बात कर मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो फ्रेंड्स, एलन को पोंगल के सप्ताह के दौरान और कैप्टन मिलर के साथ टकराव के दौरान 12 जनवरी 2024 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज किया गया था। दिसंबर 2021 तक 24AM स्टूडियो द्वारा
टैग एंटरटेनमेंट से 5 करोड़ उधार लेने के कारण फिल्म को अपनी रिलीज पर निश्चितता का सामना करना पड़ रहा था और मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 तक इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2022 तक जब तक की राशि का भुगतान नहीं किया गया था ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप फिल्म इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स फिल्म के प्रसारण अधिकार सन टीवी और यन सन नेक्स्टी को बेच दिए गए हैं, मतलब आप इस मूवी को वहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस मूवी का तमिल में नाम है आइलन, जिसे हम नॉर्मली एलियन कहते हैं। वो एक 2024 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन फिल्म है, जिसे आर रवि कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और KJR स्टूडियो के तहत कोटापट्टी जे राकेश द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में शिव कार्तिकेयन और राकुल प्रीत सिंह, शरद केलकर, ईशा कोपीकर, करुणाकरण, योगी बाबू, डेविड ब्रॉटन डेविस, भानुप्रिया और बाला सरवनन सहायक भूमिकाओं में है, जबकि सिद्धार्थ की आवाज की भूमिका है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक दुष्ट वैज्ञानिक को घातक नोवा गैस बनाने से रोकने के लिए एक एलियन के साथ मिलकर काम करता है जो पृथ्वी को खतरे में डाल सकती है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2016 में 24AM स्टूडियो द्वारा की गई थी, लेकिन KJR स्टूडियो के अधिग्रहण से पहले स्टूडियो पीछे हट गया और मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी और वित्तीय कारणों से देरी के बाद जनवरी 2021 की शुरुआत में पूरी हुई। मुद्दे शिव कार्तिकेयन की अन्य प्रतिबद्धताओं और COVID-19 महामारी, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी नवंबर 2022 में हुई। फिल्म में संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, सिनेमाटोग्राफी नीरव शाह द्वारा और संपादन रूबेन द्वारा किया गया है। इसमें 4,500 से अधिक दृश्य प्रभाव वाले शॉट्स है, जो किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो तमीज के रूप में है शिव कार्तिकेयन, टेंडू की आवाज में बने हैं सिद्धार्थ, टेंडू के लिए मोशन कैप्चर के रूप में वेंकटेश सेनगुट्टूवन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे, और तारा के रूप में है राकुल प्रीत सिंह, आर्यन के रूप में शरद केलकर, एलिजा के रूप में हैं ईशा कोपीकर हमें इस फिल्म में ये सभी कलाकार दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2018 को चेन्नई में एक लॉन्च इवेंट से पहले शुरू हुई। इसके बाद फिल्म की टीम एक संक्षिप्त कार्यक्रम के लिए गोकुलम स्टूडियो गई। नीरव शाह ने एलेक्सम LF कैमरे का उपयोग किया, जिससे आइलन इस कैमरे का उपयोग करके शूट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म के अधिकांश भाग चेन्नई में शूट किए गए थे और इसे नियमित अंतराल पर शूट किया गया था, जिसमें अन्य परियोजनाओं में शिव कार्तिकेयन की प्रतिबद्धताओं के कारण देरी हुई। 18 फरवरी 2019 को शिव कार्तिकेयन ने पुष्टि की कि चेन्नई में फिल्मांकन फिर से शुरू कर दिया गया है। हालांकि मिस्टर लोकल नम्मा विट्टू पिल्लई और हीरो के निर्माण में उनकी भागीदारी ने इस परियोजना में और देरी कर दी। इसके अलावा राजा के प्रोडक्शन हाउस 24AM स्टूडियोज से जुड़े वित्तीय मुद्दे भी थे, जिसके कारण उन्हें इस परियोजना से पीछे हटना पड़ा और
केजेआर स्टूडियोज के अधिग्रहण से पहले शिव कार्तिकेयन ने खुद फिल्म के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो फ्रेंड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया के एम सुगंत ने 3.5 out of 5 स्टार दिए रेटिंग दी और लिखा है कि यह रवि कुमार की अवधारणाओं को वह मोड़ है जो हमने कई हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। महाशक्तियाम, यूफो, अतिरिक्त स्थलीय, शक्तिशाली रोबोट, फीमेल फेटल्स, बड़े बड़े पैमाने पर विनाश, जो एलन को सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजक बनाता है। इससे परिवारों के लिए, विशेषकर बच्चों के लिए एक महान उत्सव घड़ी बनाएगी। इंडिया टुडे के जननी के ने 2.5 out of 5 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि एलन बच्चों के लिए एक मज़ेदार फिल्म है और इसकी वजह से यह उन्हें अधिक आकर्षित कर सकती है सरलित दृष्टिकोण से। वही बात कर मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो फ्रेंड्स एलन को पोंगल के सप्ताह के दौरान और कैप्टन मिलर के साथ टकराव के दौरान 12 जनवरी 2024 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज किया गया था। दिसंबर 2021 तक 24AM स्टूडियो द्वारा टैग एंटरटेनमेंट से 5 करोड़ उधार लेने के कारण फिल्म को अपनी रिलीज पर निश्चितता का सामना करना पड़ रहा था और मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 तक इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2022 तक जब तक की राशि का भुगतान नहीं किया गया था ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स फिल्म के प्रसारण अधिकार सन टीवी और यन सन नेक्स्टी को बेच दिए गए हैं, मतलब आप इस मूवी को वहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस मूवी का तमिल में नाम है आयलन, जिसे हम नॉर्मली एलियन कहते हैं। वो एक 2024 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन फिल्म है जिसे आर रवि कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और केजेआर स्टूडियो के तहत कोटापट्टी जे राकेश द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में शिव कार्तिकेयन और रकुल प्रीत सिंह, शरद केलकर, ईशा कोप्पिकर, करुणाकरन, योगी बाबू, डेविड ब्रॉटन डेविस, भानुप्रिया और बाला सरवनन सहायक भूमिकाओं में है, जबकि सिद्धार्थ की आवाज की भूमिका है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक दुष्ट वैज्ञानिक को घातक नोवा गैस बनाने से रोकने के लिए एक एलियन के साथ मिलकर काम करता है जो पृथ्वी को खतरे में डाल सकती है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2016 में 24AM स्टूडियो द्वारा की गई थी, लेकिन केजेआर स्टूडियो के अधिग्रहण से पहले स्टूडियो पीछे हट गया और मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी और वित्तीय कारणों से देरी के बाद जनवरी 2021 की शुरुआत में पूरी हुई। मुद्दे शिव कार्तिकेयन की अन्य प्रतिबद्धता और कोविड-19 महामारी, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी नवंबर 2022 में हुई। फिल्म में संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, सिनेमाटोग्राफी नीरव शाह द्वारा और संपादन रूबेन द्वारा किया गया है। इसमें 4,500 से अधिक दृश्य प्रभाव वाले शॉट्स है जो किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो तमीज के रूप में है शिव कार्तिकेयन, टेंडू की आवाज़ में बने हैं सिद्धार्थ, टेंडू के लिए मोशन कैप्चर के रूप में वेंकटेश सेनगुट्टू हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे
और तारा के रूप में है रकुलप्रीत सिंह, आर्यन के रूप में शरद केलकर, एलिजा के रूप में हैं ईशा कोप्पिकर, हमें इस फिल्म में ये सभी कलाकार दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2018 को चेन्नई में एक लॉन्च इवेंट से पहले शुरू हुई। इसके बाद फिल्म की टीम एक संक्षिप्त कार्यक्रम के लिए गोकुलम स्टूडियो गई। नीरव शाह ने एलेक्सन एलएफ कैमरे का उपयोग किया, जिससे आयलन इस कैमरे का उपयोग करके शूट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म के अधिकांश भाग चेन्नई में शूट किए गए थे और इसे नियमित अंतराल पर शूट किया गया था, जिसमें अन्य परियोजनाओं में शिवकार्तिकेयन की प्रतिबद्धताओं के कारण देरी हुई। 18 फरवरी 2019 को शिवकार्तिकेयन ने पुष्टि की कि चेन्नई में फिल्मांकन फिर से शुरू कर दिया गया है। हालांकि मिस्टर लोकल नम्मा विट्टू पिल्लई और हीरो के निर्माण में उनकी भागीदारी ने इस परियोजना में और देरी कर दी। इसके अलावा राजा के प्रोडक्शन हाउस 24AM स्टूडियोज से जुड़े वित्तीय मुद्दे भी थे, जिसके कारण उन्हें इस परियोजना से पीछे हटना पड़ा और KJR स्टूडियोज के अधिग्रहण से पहले शिवकार्तिकेयन ने खुद फिल्म के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया के एम सुगंत ने 3.5 out of 5 स्टार दी रेटिंग दी और लिखा है कि यह रवि कुमार की अवधारणाओं को वह मोड है जो हमने कई हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। महाशक्तियां, यूएफओ, अतिरिक्त स्थलियम, शक्तिशाली रोबोट, फीमेल फेटल्स, बड़े बड़े पैमाने पर विनाश जो एलन को सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजक बनाता है। इससे परिवारों के लिए विशेषकर बच्चों के लिए एक महान उत्सव घड़ी बनाएगी। इंडिया टुडे के जननी के ने 2.5 out of 5 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि एलन बच्चों के लिए एक मज़ेदार फिल्म है और इसकी वजह से यह उन्हें अधिक आकर्षित कर सकती है सरलित दृष्टिकोण से। वही बात कर मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, एलन को पोंगल के सप्ताह के दौरान और कैप्टन मिलर के साथ टकराव के दौरान 12 जनवरी 2024 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज किया गया था। दिसंबर 2021 तक 24AM स्टूडियो द्वारा टैग एंटरटेनमेंट से 5 करोड़ उधार लेने के कारण फिल्म को अपनी रिलीज पर निश्चितता का सामना करना पड़ रहा था और मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 तक इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2022 तक जब तक की राशि का भुगतान नहीं किया गया था ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स, फिल्म के प्रसारण अधिकार सन टीवी और यन सन नेक्स्टी को बेच दिए गए हैं, मतलब आप इस मूवी को वहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का तमिल में नाम है आयलन, जिसे हम नॉर्मली एलियन कहते हैं। वो एक 2024 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन फिल्म है, जिसे आर रवि कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और KJR स्टूडियो के तहत कोटापटी जे राकेश द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में शिवकार्तिकेयन और रकुलप्रीत सिंह, शरद केलकर, ईशा कोप्पिकर, करुणाकरन, योगी बाबू, डेविड ब्रॉटन डेविस, भानुप्रिया और बाला सरवनन सहायक भूमिकाओं में है।
जबकि सिद्धार्थ की आवाज़ की भूमिका है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक दुष्ट वैज्ञानिक को घातक नोवा गैस बनाने से रोकने के लिए एक एलियन के साथ मिलकर काम करता है जो पृथ्वी को खतरे में डाल सकती है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2016 में 24AM स्टूडियो द्वारा की गई थी, लेकिन KJR स्टूडियो के अधिग्रहण से पहले स्टूडियो पीछे हट गया और मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी और वित्तीय कारणों से देरी के बाद जनवरी 2021 की शुरुआत में पूरी हुई। मुद्दे: शिवकार्तिकेयन की अन्य प्रतिबद्धताओं और कोविड-19 महामारी, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी नवंबर 2022 में हुई। फिल्म में संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है। सिनेमाटोग्राफी नीरव शाह द्वारा और संपादन रूबेन द्वारा किया गया है। इसमें 4,500 से अधिक दृश्य प्रभाव वाले शॉट्स है, जो किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो तमीज के रूप में है शिवकार्तिकेयन, टेंडू की आवाज़ में बने हैं सिद्धार्थ, टेंडू के लिए मोशन कैप्चर के रूप में वेंकटेश सेनगुट्टूवन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे, और तारा के रूप में है रकुलप्रीत सिंह, आर्यन के रूप में शरद केलकर, एलिजा के रूप में हैं ईशा कोप्पिकर हमें इस फिल्म में ये सभी कलाकार दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2018 को चेन्नई में एक लॉन्च इवेंट से पहले शुरू हुई। इसके बाद फिल्म की टीम एक संक्षिप्त कार्यक्रम के लिए गोकुलम स्टूडियो गई। नीरव शाह ने एलेक्सम LF कैमरे का उपयोग किया, जिससे आयलन इस कैमरे का उपयोग करके शूट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म के अधिकांश भाग चेन्नई में शूट किए गए थे और इसे नियमित अंतराल पर शूट किया गया था, जिसमें अन्य परियोजनाओं में शिवकार्तिकेयन की प्रतिबद्धताओं के कारण देरी हुई। 18 फरवरी 2019 को शिवकार्तिकेयन ने पुष्टि की कि चेन्नई में फिल्मांकन फिर से शुरू कर दिया गया है। हालांकि मिस्टर लोकल नम्मा विट्टू पिल्लई और हीरो के निर्माण में उनकी भागीदारी ने इस परियोजना में और देरी कर दी। इसके अलावा राजा के प्रोडक्शन हाउस 24AM स्टूडियोज से जुड़े वित्तीय मुद्दे भी थे, जिसके कारण उन्हें इस परियोजना से पीछे हटना पड़ा और KJR स्टूडियोज के अधिग्रहण से पहले शिवकार्तिकेयन ने खुद फिल्म के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में, तो फ्रेंड्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया के M सुगंत ने 3.5 out of 5 स्टार दी रेटिंग दी और लिखा है कि यह रवि कुमार की अवधारणाओं को वह मोड़ है जो हमने कई हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। महाशक्तियां, UFO, अतिरिक्त स्थलीय, शक्तिशाली रोबोट, फीमेल फेटल्स, बड़े बड़े पैमाने पर विनाश जो एलन को सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजक बनाता है। इससे परिवारों के लिए, विशेषकर बच्चों के लिए एक महान उत्सव घड़ी बनाएगी। इंडिया टुडे के जननी के ने 2.5 out of 5 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि एलन बच्चों के लिए एक मज़ेदार फिल्म है और इसकी वजह से यह उन्हें अधिक आकर्षित कर सकती है सरलित दृष्टिकोण से। वही बात कर मूवी के थिएटर के रिलीज के बारे में, तो फ्रेंड्स,
एलन को पोंगल के सप्ताह के दौरान और कैप्टन मिलर के साथ टकराव के दौरान 12 जनवरी 2024 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज किया गया था। दिसंबर 2021 तक 24 AM स्टूडियो द्वारा टैग एंटरटेनमेंट से 5 करोड़ उधार लेने के कारण फिल्म को अपनी रिलीज पर निश्चितता का सामना करना पड़ रहा था और मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 तक इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2022 तक जब तक की राशि का भुगतान नहीं किया गया था ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप फिल्म इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स फिल्म के प्रसारण अधिकार सन टीवी और यन सन नेक्स्टी को बेच दिए गए हैं, मतलब आप इस मूवी को वहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस मूवी का तमिल में नाम है आइलन, जिसे हम नॉर्मली एलियन कहते हैं। वो एक 2024 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन फिल्म है जिसे आर रवि कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और KJR स्टूडियो के तहत कोटापट्टी जे राकेश द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में शिव कार्तिकेयन और राकुलप्रीत सिंह, शरद केलकर, ईशा कोपीकर, करुणाकरण, योगी बाबू, डेविड ब्रॉटन डेविस, भानुप्रिया और बाला सरवनन सहायक भूमिकाओं में है, जबकि सिद्धार्थ की आवाज़ की भूमिका है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक दुष्ट वैज्ञानिक को घातक नोवा गैस बनाने से रोकने के लिए एक एलियन के साथ मिलकर काम करता है जो पृथ्वी को खतरे में डाल सकती है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2016 में 24 AM स्टूडियो द्वारा की गई थी, लेकिन KJR स्टूडियो के अधिग्रहण से पहले स्टूडियो पीछे हट गया और मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी और वित्तीय कारणों से देरी के बाद जनवरी 2021 की शुरुआत में पूरी हुई। मुद्दे शिव कार्तिकेयन की अन्य प्रतिबद्धताओं और कोविड-19 महामारी, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी नवंबर 2022 में हुई। फिल्म में संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, सिनेमाटोग्राफी नीरव शाह द्वारा और संपादन रूबेन द्वारा किया गया है। इसमें 4,500 से अधिक दृश्य प्रभाव वाले शॉर्ट्स है जो किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो तमीज के रूप में है शिव कार्तिकेयन, टेंडू की आवाज़ में बने हैं सिद्धार्थ, टेंडू के लिए मोशन कैप्चर के रूप में वेंकटेश सेनगुट्टूवन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे और तारा के रूप में है राकुलप्रीत सिंह, आर्यन के रूप में शरद केलकर, एलिजा के रूप में हैं ईशा कोपीकर हमें इस फिल्म में ये सभी कलाकार दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2018 को चेन्नई में एक लॉन्च इवेंट से पहले शुरू हुई। इसके बाद फिल्म की टीम एक संक्षिप्त कार्यक्रम के लिए गोकुलम स्टूडियो गई। नीरव शाह ने एलेक्सम LF कैमरे का उपयोग किया, जिससे आइलन इस कैमरे का उपयोग करके शूट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म के अधिकांश भाग चेन्नई में शूट किए गए थे और इसे नियमित अंतराल पर शूट किया गया था, जिसमें अन्य परियोजनाओं में शिव कार्तिकेयन की प्रतिबद्धताओं के कारण देरी हुई। 18 फरवरी 2019 को शिव कार्तिकेयन ने पुष्टि की कि चेन्नई में फिल्मांकन फिर से शुरू कर दिया गया है। हालांकि मिस्टर लोकल नम्मा विट्टू पिल्लई और हीरो के निर्माण में उनकी भागीदारी
ने इस परियोजना में और देरी कर दी। इसके अलावा राजा के प्रोडक्शन हाउस 24AM स्टूडियोज से जुड़े वित्तीय मुद्दे भी थे, जिसके कारण उन्हें इस परियोजना से पीछे हटना पड़ा और KJR स्टूडियोज के अधिग्रहण से पहले शिव कार्तिकेयन ने खुद फिल्म के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो फ्रेंड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया के एम सुगंत ने 3.5 out of 5 स्टार दिए रेटिंग दी और लिखा है कि यह रवि कुमार की अवधारणाओं को वह मोड़ है जो हमने कई हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। महाशक्तियां, यूफो, अतिरिक्त स्थलियम, शक्तिशाली रोबोट, फीमेल फेटल्स, बड़े बड़े पैमाने पर विनाश जो एलन को सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजक बनाता है। इससे परिवारों के लिए, विशेषकर बच्चों के लिए एक महान उत्सव घड़ी बनाएगी। इंडिया टुडे के जननी के ने 2.5 out of 5 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि एलन बच्चों के लिए एक मज़ेदार फिल्म है और इसकी वजह से यह उन्हें अधिक आकर्षित कर सकती है सरलित दृष्टिकोण से। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो फ्रेंड्स एलन को पोंगल के सप्ताह के दौरान और कैप्टन मिलर के साथ टकराव के दौरान 12 जनवरी 2024 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज किया गया था। दिसंबर 2021 तक 24AM स्टूडियो द्वारा टैग एंटरटेनमेंट से 5 करोड़ उधार लेने के कारण फिल्म को अपनी रिलीज पर निश्चितता का सामना करना पड़ रहा था और मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 तक इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2022 तक जब तक की राशि का भुगतान नहीं किया गया था ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स फिल्म के प्रसारण अधिकार सन टीवी और यन सन नेक्स्टी को बेच दिए गए हैं, मतलब आप इस मूवी को वहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस मूवी का तमिल में नाम है आयलन, जिसे हम नॉर्मली एलियन कहते हैं। वो एक 2024 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन फिल्म है, जिसे आर रवि कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और KJR स्टूडियो के तहत कोटापटी जे राकेश द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में शिव कार्तिकेयन और राकुल प्रीत सिंह, शरद केलकर, ईशा कोपीकर, करुणाकरण, योगी बाबू, डेविड ब्रॉटन डेविस, भानुप्रिया और बाला सरवनन सहायक भूमिकाओं में है, जबकि सिद्धार्थ की आवाज की भूमिका है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक दुष्ट वैज्ञानिक को घातक नोवा गैस बनाने से रोकने के लिए एक एलियन के साथ मिलकर काम करता है जो पृथ्वी को खतरे में डाल सकती है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2016 में 24AM स्टूडियो द्वारा की गई थी, लेकिन KJR स्टूडियो के अधिग्रहण से पहले स्टूडियो पीछे हट गया और मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी और वित्तीय कारणों से देरी के बाद जनवरी 2021 की शुरुआत में पूरी हुई। मुद्दे शिव कार्तिकेयन की अन्य प्रतिबद्धता और COVID-19 महामारी, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी नवंबर 2022 में हुई। फिल्म में संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, सिनेमाटोग्राफी नीरव शाह द्वारा और संपादन रूबेन द्वारा किया गया है। इसमें 4,500 से अधिक दृश्य प्रभाव वाले शॉट्स है, जो किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक है।
बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो तमीज के रूप में है शिव कार्तिकेयन, टेंडू की आवाज में बने हैं सिद्धार्थ, टेंडू के लिए मोशन कैप्चर के रूप में वेंकटेश सेनगुट्टूवन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे, और तारा के रूप में है रकुलप्रीत सिंह, आर्यन के रूप में शरद केलकर, एलिजा के रूप में है ईशा कोप्पिकर हमें इस फिल्म में ये सभी कलाकार दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2018 को चेन्नई में एक लॉन्च इवेंट से पहले शुरू हुई। इसके बाद फिल्म की टीम एक संक्षिप्त कार्यक्रम के लिए गोकुलम स्टूडियो गई। नीरव शाह ने एलेक्सन एलएफ कैमरे का उपयोग किया, जिससे आयलन इस कैमरे का उपयोग करके शूट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म के अधिकांश भाग चेन्नई में शूट किए गए थे और इसे नियमित अंतराल पर शूट किया गया था, जिसमें अन्य परियोजनाओं में शिवकार्तिकेयन की प्रतिबद्धताओं के कारण देरी हुई। 18 फरवरी 2019 को शिवकार्तिकेयन ने पुष्टि की कि चेन्नई में फिल्मांकन फिर से शुरू कर दिया गया है। हालांकि मिस्टर लोकल नम्मा विट्टू पिल्लई और हीरो के निर्माण में उनकी भागीदारी ने इस परियोजना में और देरी कर दी। इसके अलावा राजा के प्रोडक्शन हाउस 24AM स्टूडियोज से जुड़े वित्तीय मुद्दे भी थे, जिसके कारण उन्हें इस परियोजना से पीछे हटना पड़ा और KJR स्टूडियोज के अधिग्रहण से पहले शिवकार्तिकेयन ने खुद फिल्म के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया के एम सुगंत ने 3.5 out of 5 स्टार दी रेटिंग दी और लिखा है कि यह रवि कुमार की अवधारणाओं को वह मोड है जो हमने कई हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। महाशक्तियां, यूफो, अतिरिक्त स्थलियम, शक्तिशाली रोबोट, फीमेल फेटल्स, बड़े बड़े पैमाने पर विनाश जो एलन को सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजक बनाता है। इससे परिवारों के लिए विशेषकर बच्चों के लिए एक महान उत्सव घड़ी बनाएगी। इंडिया टुडे के जननी के ने 2.5 out of 5 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि एलन बच्चों के लिए एक मज़ेदार फिल्म है और इसकी वजह से यह उन्हें अधिक आकर्षित कर सकती है सरलित दृष्टिकोण से। वही बात कर मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, एलन को पोंगल के सप्ताह के दौरान और कैप्टन मिलर के साथ टकराव के दौरान 12 जनवरी 2024 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज किया गया था। दिसंबर 2021 तक 24AM स्टूडियो द्वारा टैग एंटरटेनमेंट से 5 करोड़ उधार लेने के कारण फिल्म को अपनी रिलीज पर निश्चितता का सामना करना पड़ रहा था और मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 तक इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2022 तक जब तक की राशि का भुगतान नहीं किया गया था ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप फिल्म इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स, फिल्म के प्रसारण अधिकार सन टीवी और यन सन नेक्स्टी को बेच दिए गए हैं, मतलब आप इस मूवी को वहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का तमिल में नाम है आयलन, जिसे हम नॉर्मली एलियन कहते हैं। वो एक 2024 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फ्रिक्शन फिल्म है, जिसे आर रवि कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और KJR स्टूडियो के तहत कोटापट्टी जे राकेश द्वारा निर्मित किया गया है।
फिल्म में शिव कार्तिकेयन और रकुल प्रीत सिंह, शरद केलकर, ईशा कोप्पिकर, करुणाकरन, योगी बाबू, डेविड ब्रॉटन डेविस, भानुप्रिया और बाला सरवनन सहायक भूमिकाओं में है, जबकि सिद्धार्थ की आवाज़ की भूमिका है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक दुष्ट वैज्ञानिक को घातक नोवा गैस बनाने से रोकने के लिए एक एलियन के साथ मिलकर काम करता है जो पृथ्वी को खतरे में डाल सकती है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2016 में 24AM स्टूडियो द्वारा की गई थी, लेकिन KJR स्टूडियो के अधिग्रहण से पहले स्टूडियो पीछे हट गया और मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी और वित्तीय कारणों से देरी के बाद जनवरी 2021 की शुरुआत में पूरी हुई। मुद्दे: शिवकार्तिकेयन की अन्य प्रतिबद्धताओं और COVID-19 महामारी, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी नवंबर 2022 में हुई। फिल्म में संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है। सिनेमाटोग्राफी नीरव शाह द्वारा और संपादन रूबेन द्वारा किया गया है। इसमें 4,500 से अधिक दृश्य प्रभाव वाले शॉट्स है, जो किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो तमीज के रूप में है शिवकार्तिकेयन, टेंडू की आवाज़ में बने हैं सिद्धार्थ, टेंडू के लिए मोशन कैप्चर के रूप में वेंकटेश सेनगुट्टुवन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे, और तारा के रूप में है रकुल प्रीत सिंह, आर्यन के रूप में शरद केलकर, एलिजा के रूप में हैं ईशा कोप्पिकर हमें इस फिल्म में ये सभी कलाकार दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2018 को चेन्नई में एक लॉन्च इवेंट से पहले शुरू हुई। इसके बाद फिल्म की टीम एक संक्षिप्त कार्यक्रम के लिए गोकुलम स्टूडियो गई। नीरव शाह ने एलेक्सम LF कैमरे का उपयोग किया, जिससे आइलन इस कैमरे का उपयोग करके शूट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म के अधिकांश भाग चेन्नई में शूट किए गए थे और इसे नियमित अंतराल पर शूट किया गया था, जिसमें अन्य परियोजनाओं में शिवकार्तिकेयन की प्रतिबद्धताओं के कारण देरी हुई। 18 फरवरी 2019 को शिवकार्तिकेयन ने पुष्टि की कि चेन्नई में फिल्मांकन फिर से शुरू कर दिया गया है। हालांकि मिस्टर लोकल नम्मा विट्टू पिल्लई और हीरो के निर्माण में उनकी भागीदारी ने इस परियोजना में और देरी कर दी। इसके अलावा राजा के प्रोडक्शन हाउस 24AM स्टूडियोज से जुड़े वित्तीय मुद्दे भी थे, जिसके कारण उन्हें इस परियोजना से पीछे हटना पड़ा और KJR स्टूडियोज के अधिग्रहण से पहले शिवकार्तिकेयन ने खुद फिल्म के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में, तो फ्रेंड्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया के M सुगंत ने 3.5 out of 5 स्टार दी रेटिंग दी और लिखा है कि यह रवि कुमार की अवधारणाओं को वह मोड़ है जो हमने कई हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। महाशक्तियां, UFO, अतिरिक्त स्थलीय शक्तिशाली रोबोट, फीमेल फेटल्स, बड़े बड़े पैमाने पर विनाश जो एलन को सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजक बनाता है, इससे परिवारों के लिए विशेषकर बच्चों के लिए एक महान उत्सव घड़ी बनाएगी। इंडिया टुडे के जननी के ने
2.5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि एलन बच्चों के लिए एक मज़ेदार फिल्म है और इसकी वजह से यह उन्हें अधिक आकर्षित कर सकती है सरलित दृष्टिकोण से। वही बात कर मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, एलन को पोंगल के सप्ताह के दौरान और कैप्टन मिलर के साथ टकराव के दौरान 12 जनवरी 2024 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज किया गया था। दिसंबर 2021 तक 24 AM स्टूडियो द्वारा टैग एंटरटेनमेंट से 5 करोड़ उधार लेने के कारण फिल्म को अपनी रिलीज पर निश्चितता का सामना करना पड़ रहा था और मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 तक इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2022 तक जब तक की राशि का भुगतान नहीं किया गया था ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप फिल्म इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स, फिल्म के प्रसारण अधिकार सन टीवी और यन सन नेक्स्टी को बेच दिए गए हैं, मतलब आप इस मूवी को वहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का तमिल में नाम है आइलन, जिसे हम नॉर्मली एलियन कहते हैं। वो एक 2024 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन फिल्म है जिसे आर रवि कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और KJR स्टूडियो के तहत कोटापट्टी जे राकेश द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में शिव कार्तिकेयन और राकुल प्रीत सिंह, शरद केलकर, ईशा कोपीकर, करुणाकरण, योगी बाबू, डेविड ब्रॉटन डेविस, भानुप्रिया और बाला सरवनन सहायक भूमिकाओं में है, जबकि सिद्धार्थ की आवाज की भूमिका है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक दुष्ट वैज्ञानिक को घातक नोवा गैस बनाने से रोकने के लिए एक एलियन के साथ मिलकर काम करता है जो पृथ्वी को खतरे में डाल सकती है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2016 में 24 AM स्टूडियो द्वारा की गई थी, लेकिन KJR स्टूडियो के अधिग्रहण से पहले स्टूडियो पीछे हट गया और मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी और वित्तीय कारणों से देरी के बाद जनवरी 2021 की शुरुआत में पूरी हुई। मुद्दे, शिव कार्तिकेयन की अन्य प्रतिबद्धताओं और COVID-19 महामारी, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी नवंबर 2022 में हुई। फिल्म में संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, सिनेमाटोग्राफी नीरव शाह द्वारा और संपादन रूबेन द्वारा किया गया है। इसमें 4,500 से अधिक दृश्य प्रभाव वाले शॉट्स है जो किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो तमीज के रूप में है शिव कार्तिकेयन, टेंडू की आवाज में बने हैं सिद्धार्थ, टेंडू के लिए मोशन कैप्चर के रूप में वेंकटेश सेनगुट्टूवन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे और तारा के रूप में है राकुल प्रीत सिंह, आर्यन के रूप में शरद केलकर, एलिजा के रूप में हैं ईशा कोपीकर हमें इस फिल्म में ये सभी कलाकार दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2018 को चेन्नई में एक लॉन्च इवेंट से पहले शुरू हुई। इसके बाद फिल्म की टीम एक संक्षिप्त कार्यक्रम के लिए गोकुलम स्टूडियो गई। नीरव शाह ने एलेक्सम LF कैमरे का उपयोग किया जिससे आइलन इस कैमरे का उपयोग करके शूट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म के अधिकांश भाग चेन्नई में शूट किए गए थे और इसे नियमित अंतराल पर शूट किया गया था, जिसमें अन्य परियोजनाओं में शिव कार्तिकेयन की प्रतिबद्धताओं के कारण देरी हुई।
18 फरवरी 2019 को शिव कार्तिकेयन ने पुष्टि की कि चेन्नई में फिल्मांकन फिर से शुरू कर दिया गया है। हालांकि मिस्टर लोकल नम्मा विट्टू पिल्लई और हीरो के निर्माण में उनकी भागीदारी ने इस परियोजना में और देरी कर दी। इसके अलावा राजा के प्रोडक्शन हाउस 24AM स्टूडियोज से जुड़े वित्तीय मुद्दे भी थे, जिसके कारण उन्हें इस परियोजना से पीछे हटना पड़ा और KJR स्टूडियोज के अधिग्रहण से पहले शिव कार्तिकेयन ने खुद फिल्म के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो फ्रेंड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया के एम सुगंत ने 3.5 out of 5 स्टार दी रेटिंग दी और लिखा है कि यह रवि कुमार की अवधारणाओं को वह मोड़ है जो हमने कई हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। महाशक्तियां, यूफो, अतिरिक्त स्थलीय, शक्तिशाली रोबोट, फीमेल फेटल्स, बड़े बड़े पैमाने पर विनाश जो एलन को सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजक बनाता है। इससे परिवारों के लिए विशेषकर बच्चों के लिए एक महान उत्सव घड़ी बनाएगी। इंडिया टुडे के जननी के ने 2.5 out of 5 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि एलन बच्चों के लिए एक मज़ेदार फिल्म है और इसकी वजह से यह उन्हें अधिक आकर्षित कर सकती है सरलित दृष्टिकोण से। वही बात कर मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो फ्रेंड्स एलन को पोंगल के सप्ताह के दौरान और कैप्टन मिलर के साथ टकराव के दौरान 12 जनवरी 2024 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज किया गया था। दिसंबर 2021 तक 24AM स्टूडियो द्वारा टैग एंटरटेनमेंट से 5 करोड़ उधार लेने के कारण फिल्म को अपनी रिलीज पर निश्चितता का सामना करना पड़ रहा था और मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 तक इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2022 तक जब तक कि राशि का भुगतान नहीं किया गया था ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स फिल्म के प्रसारण अधिकार सन टीवी और यन सन नेक्स्टी को बेच दिए गए हैं, मतलब आप इस मूवी को वहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस मूवी का तमिल में नाम है आयलन, जिसे हम नॉर्मली एलियन कहते हैं। वो एक 2024 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन फिल्म है, जिसे आर रवि कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और KJR स्टूडियो के तहत कोटापटी जे राकेश द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में शिव कार्तिकेयन और रकुल प्रीत सिंह, शरद केलकर, ईशा कोपीकर, करुणाकरण, योगी बाबू, डेविड ब्रॉटन डेविस, भानुप्रिया और बाला सरवनन सहायक भूमिकाओं में है, जबकि सिद्धार्थ की आवाज की भूमिका है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक दुष्ट वैज्ञानिक को घातक नोवा गैस बनाने से रोकने के लिए एक एलियन के साथ मिलकर काम करता है जो पृथ्वी को खतरे में डाल सकती है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2016 में 24AM स्टूडियो द्वारा की गई थी, लेकिन KJR स्टूडियो के अधिग्रहण से पहले स्टूडियो पीछे हट गया और मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी और वित्तीय कारणों से देरी के बाद जनवरी 2021 की शुरुआत में पूरी हुई। मुद्दे शिव कार्तिकेयन की अन्य प्रतिबद्धता और COVID-19 महामारी, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी नवंबर 2022 में हुई। फिल्म में संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है।
सिनेमाटोग्राफी नीरव शाह द्वारा और संपादन रूबेन द्वारा किया गया है। इसमें 4,500 से अधिक दृश्य प्रभाव वाले शॉट्स है, जो किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो तमीज के रूप में है शिवकार्तिकेयन, टेंडू की आवाज़ में बने हैं सिद्धार्थ, टेंडू के लिए मोशन कैप्चर के रूप में वेंकटेश सेनगुट्टूवन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे, और तारा के रूप में है रकुलप्रीत सिंह, आर्यन के रूप में शरद केलकर, एलिजा के रूप में हैं ईशा कोप्पिकर हमें इस फिल्म में ये सभी कलाकार दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2018 को चेन्नई में एक लॉन्च इवेंट से पहले शुरू हुई। इसके बाद फिल्म की टीम एक संक्षिप्त कार्यक्रम के लिए गोकुलम स्टूडियो गई। नीरव शाह ने एलेक्सन एलएफ कैमरे का उपयोग किया, जिससे आयलन इस कैमरे का उपयोग करके शूट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म के अधिकांश भाग चेन्नई में शूट किए गए थे और इसे नियमित अंतराल पर शूट किया गया था, जिसमें अन्य परियोजनाओं में शिवकार्तिकेयन की प्रतिबद्धताओं के कारण देरी हुई। 18 फरवरी 2019 को शिवकार्तिकेयन ने पुष्टि की कि चेन्नई में फिल्मांकन फिर से शुरू कर दिया गया है। हालांकि मिस्टर लोकल नम्मा विट्टू पिल्लई और हीरो के निर्माण में उनकी भागीदारी ने इस परियोजना में और देरी कर दी। इसके अलावा राजा के प्रोडक्शन हाउस 24AM स्टूडियोज से जुड़े वित्तीय मुद्दे भी थे, जिसके कारण उन्हें इस परियोजना से पीछे हटना पड़ा और KJR स्टूडियोज के अधिग्रहण से पहले शिवकार्तिकेयन ने खुद फिल्म के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो फ्रेंड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया के एम सुगंत ने 3.5 out of 5 स्टार दी रेटिंग दी और लिखा है कि यह रवि कुमार की अवधारणाओं को वह मोड है जो हमने कई हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। महाशक्तियां, यूएफओ, अतिरिक्त स्थलीय शक्तिशाली रोबोट, फीमेल फेटल्स, बड़े बड़े पैमाने पर विनाश जो एलन को सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजक बनाता है। इससे परिवारों के लिए विशेषकर बच्चों के लिए एक महान उत्सव घड़ी बनाएगी। इंडिया टुडे के जननी के ने 2.5 out of 5 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि एलन बच्चों के लिए एक मज़ेदार फिल्म है और इसकी वजह से यह उन्हें अधिक आकर्षित कर सकती है सरलित दृष्टिकोण से। वही बात कर मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो फ्रेंड्स एलन को पोंगल के सप्ताह के दौरान और कैप्टन मिलर के साथ टकराव के दौरान 12 जनवरी 2024 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज किया गया था। दिसंबर 2021 तक 24AM स्टूडियो द्वारा टैग एंटरटेनमेंट से 5 करोड़ उधार लेने के कारण फिल्म को अपनी रिलीज पर निश्चितता का सामना करना पड़ रहा था और मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 तक इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2022 तक जब तक की राशि का भुगतान नहीं किया गया था ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप फिल्म इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स फिल्म के प्रसारण अधिकार सन टीवी और यन सन नेक्स्टी को बेच दिए गए हैं, मतलब आप इस मूवी को वहाँ पर देख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, इस मूवी का तमिल में नाम है आइलन, जिसे हम नॉर्मली एलियन कहते हैं। वो एक 2024 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन फिल्म है, जिसे आर रवि कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और केजेआर स्टूडियो के तहत कोटापट्टी जे राकेश द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में शिव कार्तिकेयन और राकुलप्रीत सिंह, शरद केलकर, ईशा कोप्पिकर, करुणाकरन, योगी बाबू, डेविड ब्रॉटन डेविस, भानुप्रिया और बाला सरवनन सहायक भूमिकाओं में है, जबकि सिद्धार्थ की आवाज़ की भूमिका है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक दुष्ट वैज्ञानिक को घातक नोवा गैस बनाने से रोकने के लिए एक एलियन के साथ मिलकर काम करता है, जो पृथ्वी को खतरे में डाल सकती है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2016 में 24AM स्टूडियो द्वारा की गई थी, लेकिन केजेआर स्टूडियो के अधिग्रहण से पहले स्टूडियो पीछे हट गया और मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी और वित्तीय कारणों से देरी के बाद जनवरी 2021 की शुरुआत में पूरी हुई। मुद्दे: शिवकार्तिकेयन की अन्य प्रतिबद्धताओं और कोविड-19 महामारी, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी नवंबर 2022 में हुई। फिल्म में संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है। सिनेमाटोग्राफी नीरव शाह द्वारा और संपादन रूबेन द्वारा किया गया है। इसमें 4,500 से अधिक दृश्य प्रभाव वाले शॉट्स है, जो किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो तमीज के रूप में है शिव कार्तिकेयन, टेंडू की आवाज़ में बने हैं सिद्धार्थ, टेंडू के लिए मोशन कैप्चर के रूप में वेंकटेश सेनगुट्टूवन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे, और तारा के रूप में है राकुलप्रीत सिंह, आर्यन के रूप में शरद केलकर, एलिजा के रूप में हैं ईशा कोप्पिकर हमें इस फिल्म में ये सभी कलाकार दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2018 को चेन्नई में एक लॉन्च इवेंट से पहले शुरू हुई। इसके बाद फिल्म की टीम एक संक्षिप्त कार्यक्रम के लिए गोकुलम स्टूडियो गई। नीरव शाह ने एलेक्सम LF कैमरे का उपयोग किया, जिससे आइलन इस कैमरे का उपयोग करके शूट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म के अधिकांश भाग चेन्नई में शूट किए गए थे और इसे नियमित अंतराल पर शूट किया गया था, जिसमें अन्य परियोजनाओं में शिवकार्तिकेयन की प्रतिबद्धताओं के कारण देरी हुई। 18 फरवरी 2019 को शिव कार्तिकेयन ने पुष्टि की कि चेन्नई में फिल्मांकन फिर से शुरू कर दिया गया है। हालांकि मिस्टर लोकल नम्मा विट्टू पिल्लई और हीरो के निर्माण में उनकी भागीदारी ने इस परियोजना में और देरी कर दी। इसके अलावा राजा के प्रोडक्शन हाउस 24AM स्टूडियोज से जुड़े वित्तीय मुद्दे भी थे, जिसके कारण उन्हें इस परियोजना से पीछे हटना पड़ा और KJR स्टूडियोज के अधिग्रहण से पहले शिव कार्तिकेयन ने खुद फिल्म के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में, तो फ्रेंड्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया के M सुगंत ने 3.5 out of 5 स्टार दी रेटिंग दी और लिखा है कि यह रवि कुमार की अवधारणाओं को वह मोड़ है जो हमने कई हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। महाशक्तियां, UFO, अतिरिक्त स्थलीय शक्तिशाली रोबोट, फीमेल फेटल्स
बड़े बड़े पैमाने पर विनाश जो एलन को सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजक बनाता है। इससे परिवारों के लिए विशेषकर बच्चों के लिए एक महान उत्सव घड़ी बनाएगी। इंडिया टुडे के जननी के ने 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि एलन बच्चों के लिए एक मज़ेदार फिल्म है और इसकी वजह से यह उन्हें अधिक आकर्षित कर सकती है सरलित दृष्टिकोण से। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, एलन को पोंगल के सप्ताह के दौरान और कैप्टन मिलर के साथ टकराव के दौरान 12 जनवरी 2024 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज किया गया था। दिसंबर 2021 तक 24 AM स्टूडियो द्वारा टैग एंटरटेनमेंट से 5 करोड़ उधार लेने के कारण फिल्म को अपनी रिलीज पर निश्चितता का सामना करना पड़ रहा था और मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 तक इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2022 तक जब तक कि राशि का भुगतान नहीं किया गया था ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप फिल्म इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स, फिल्म के प्रसारण अधिकार सन टीवी और यन सन नेक्स्टी को बेच दिए गए हैं, मतलब आप इस मूवी को वहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का तमिल में नाम है आइलन, जिसे हम नॉर्मली एलियन कहते हैं। वो एक 2024 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन फिल्म है जिसे आर रवि कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और KJR स्टूडियो के तहत कोटापट्टी जे राकेश द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में शिव कार्तिकेयन और राकुल प्रीत सिंह, शरद केलकर, ईशा कोपीकर, करुणाकरण, योगी बाबू, डेविड ब्रॉटन डेविस, भानुप्रिया और बाला सरवनन सहायक भूमिकाओं में है, जबकि सिद्धार्थ की आवाज की भूमिका है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक दुष्ट वैज्ञानिक को घातक नोवा गैस बनाने से रोकने के लिए एक एलियन के साथ मिलकर काम करता है जो पृथ्वी को खतरे में डाल सकती है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2016 में 24 AM स्टूडियो द्वारा की गई थी, लेकिन KJR स्टूडियो के अधिग्रहण से पहले स्टूडियो पीछे हट गया और मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी और वित्तीय कारणों से देरी के बाद जनवरी 2021 की शुरुआत में पूरी हुई। मुद्दे शिव कार्तिकेयन की अन्य प्रतिबद्धताओं और COVID-19 महामारी, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी नवंबर 2022 में हुई। फिल्म में संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, सिनेमाटोग्राफी नीरव शाह द्वारा और संपादन रूबेन द्वारा किया गया है। इसमें 4,500 से अधिक दृश्य प्रभाव वाले शॉर्ट्स है जो किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो तमीज के रूप में है शिव कार्तिकेयन, टेंडू की आवाज में बने हैं सिद्धार्थ, टेंडू के लिए मोशन कैप्चर के रूप में वेंकटेश सेनगुट्टूवन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे और तारा के रूप में है राकुल प्रीत सिंह, आर्यन के रूप में शरद केलकर, एलिजा के रूप में हैं ईशा कोपीकर हमें इस फिल्म में ये सभी कलाकार दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2018 को चेन्नई में एक लॉन्च इवेंट से पहले शुरू हुई। इसके बाद फिल्म की टीम एक संक्षिप्त कार्यक्रम के लिए गोकुलम स्टूडियो गई। नीरव शाह ने एलेक्सम LF कैमरे का उपयोग किया, जिससे एलन इस कैमरे का उपयोग करके शूट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई।
फिल्म के अधिकांश भाग चेन्नई में शूट किए गए थे और इसे नियमित अंतराल पर शूट किया गया था, जिसमें अन्य परियोजनाओं में शिवकार्तिकेयन की प्रतिबद्धताओं के कारण देरी हुई। 18 फरवरी 2019 को शिवकार्तिकेयन ने पुष्टि की कि चेन्नई में फिल्मांकन फिर से शुरू कर दिया गया है। हालांकि मिस्टर लोकल नम्मा विट्टू पिल्लई और हीरो के निर्माण में उनकी भागीदारी ने इस परियोजना में और देरी कर दी। इसके अलावा राजा के प्रोडक्शन हाउस 24AM स्टूडियोज से जुड़े वित्तीय मुद्दे भी थे, जिसके कारण उन्हें इस परियोजना से पीछे हटना पड़ा और KJR स्टूडियोज के अधिग्रहण से पहले शिवकार्तिकेयन ने खुद फिल्म के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो फ्रेंड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया के एम सुगंत ने 3.5 out of 5 स्टार दिए रेटिंग दी और लिखा है कि यह रवि कुमार की अवधारणाओं को वह मोड़ है जो हमने कई हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। महाशक्तियां, UFO, अतिरिक्त स्थलीय शक्तिशाली रोबोट, फीमेल फेटल्स, बड़े बड़े पैमाने पर विनाश जो एलन को सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजक बनाता है। इससे परिवारों के लिए विशेषकर बच्चों के लिए एक महान उत्सव घड़ी बनाएगी। इंडिया टुडे के जननी के ने 2.5 out of 5 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि एलन बच्चों के लिए एक मज़ेदार फिल्म है और इसकी वजह से यह उन्हें अधिक आकर्षित कर सकती है सरलित दृष्टिकोण से। वही बात कर मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो फ्रेंड्स एलन को पोंगल के सप्ताह के दौरान और कैप्टन मिलर के साथ टकराव के दौरान 12 जनवरी 2024 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज किया गया था। दिसंबर 2021 तक 24AM स्टूडियो द्वारा टैग एंटरटेनमेंट से 5 करोड़ उधार लेने के कारण फिल्म को अपनी रिलीज पर निश्चितता का सामना करना पड़ रहा था और मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 तक इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2022 तक जब तक की राशि का भुगतान नहीं किया गया था ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स फिल्म के प्रसारण अधिकार सन टीवी और यन सन नेक्स्टी को बेच दिए गए हैं, मतलब आप इस मूवी को वहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस मूवी का तमिल में नाम है आइलन, जिसे हम नॉर्मली एलियन कहते हैं। वो एक 2024 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन फिल्म है, जिसे आर रवि कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और KJR स्टूडियो के तहत कोटापटी जे राकेश द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में शिवकार्तिकेयन और रकुलप्रीत सिंह, शरद केलकर, ईशा कोप्पिकर, करुणाकरन, योगी बाबू, डेविड ब्रॉटन डेविस, भानुप्रिया और बाला सरवनन सहायक भूमिकाओं में है, जबकि सिद्धार्थ की आवाज की भूमिका है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक दुष्ट वैज्ञानिक को घातक नोवा गैस बनाने से रोकने के लिए एक एलियन के साथ मिलकर काम करता है जो पृथ्वी को खतरे में डाल सकती है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2016 में 24AM स्टूडियो द्वारा की गई थी, लेकिन KJR स्टूडियो के अधिग्रहण से पहले स्टूडियो पीछे हट गया और मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी और वित्तीय कारणों से
देरी के बाद जनवरी 2021 की शुरुआत में पूरी हुई। मुद्दे: शिवकार्तिकेयन की अन्य प्रतिबद्धताओं और कोविड-19 महामारी, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी नवंबर 2022 में हुई। फिल्म में संगीत A.R. रहमान द्वारा दिया गया है। सिनेमाटोग्राफी नीरव शाह द्वारा और संपादन रूबेन द्वारा किया गया है। इसमें 4,500 से अधिक दृश्य प्रभाव वाले शॉट्स है, जो किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो तमीज के रूप में है शिवकार्तिकेयन, टेंडू की आवाज़ में बने हैं सिद्धार्थ, टेंडू के लिए मोशन कैप्चर के रूप में वेंकटेश सेनगुट्टूवन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे, और तारा के रूप में है रकुलप्रीत सिंह, आर्यन के रूप में शरद केलकर, एलिजा के रूप में है ईशा कोप्पिकर हमें इस फिल्म में ये सभी कलाकार दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2018 को चेन्नई में एक लॉन्च इवेंट से पहले शुरू हुई। इसके बाद फिल्म की टीम एक संक्षिप्त कार्यक्रम के लिए गोकुलम स्टूडियो गई। नीरव शाह ने एलेक्सन LF कैमरे का उपयोग किया, जिससे आइलन इस कैमरे का उपयोग करके शूट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म के अधिकांश भाग चेन्नई में शूट किए गए थे और इसे नियमित अंतराल पर शूट किया गया था, जिसमें अन्य परियोजनाओं में शिवकार्तिकेयन की प्रतिबद्धताओं के कारण देरी हुई। 18 फरवरी 2019 को शिवकार्तिकेयन ने पुष्टि की कि चेन्नई में फिल्मांकन फिर से शुरू कर दिया गया है। हालांकि मिस्टर लोकल नम्मा विट्टू पिल्लई और हीरो के निर्माण में उनकी भागीदारी ने इस परियोजना में और देरी कर दी। इसके अलावा राजा के प्रोडक्शन हाउस 24AM स्टूडियोज से जुड़े वित्तीय मुद्दे भी थे, जिसके कारण उन्हें इस परियोजना से पीछे हटना पड़ा और KJR स्टूडियोज के अधिग्रहण से पहले शिवकार्तिकेयन ने खुद फिल्म के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो फ्रेंड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया के M सुगंत ने 3.5 out of 5 स्टार दी रेटिंग दी और लिखा है कि यह रवि कुमार की अवधारणाओं को वह मोड है जो हमने कई हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। महाशक्तियां, UFO, अतिरिक्त स्थलियम, शक्तिशाली रोबोट, फीमेल फेटल्स, बड़े बड़े पैमाने पर विनाश जो एलन को सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजक बनाता है। इससे परिवारों के लिए, विशेषकर बच्चों के लिए एक महान उत्सव घड़ी बनाएगी। इंडिया टुडे के जननी के ने 2.5 out of 5 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि एलन बच्चों के लिए एक मज़ेदार फिल्म है और इसकी वजह से यह उन्हें अधिक आकर्षित कर सकती है सरलित दृष्टिकोण से। वही बात कर मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो फ्रेंड्स एलन को पोंगल के सप्ताह के दौरान और कैप्टन मिलर के साथ टकराव के दौरान 12 जनवरी 2024 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज किया गया था। दिसंबर 2021 तक 24AM स्टूडियो द्वारा टैग एंटरटेनमेंट से 5 करोड़ उधार लेने के कारण फिल्म को अपनी रिलीज पर निश्चितता का सामना करना पड़ रहा था और मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 तक इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2022 तक जब तक की राशि का भुगतान नहीं किया गया था ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी।
वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप फिल्म इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिल्म के प्रसारण अधिकार सन टीवी और यन सन नेक्स्टी को बेच दिए गए हैं, मतलब आप इस मूवी को वहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।